الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله، سيد المرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين. سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وتوقروا وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد وصلات بعد. क़र करीम की एक आयत का कुछ हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है मुख्तसर से वक्त में कुछ ज़रूरी बातें आप तक पहुँचाऊँगा अल्लाह ताला मुझे हक़ बयान करने हम सब को हक़ सुनकर उसको कबूल करने उस पर परमल करने और उस पर क़ायम रहने की तोफ़ी खता फरमाए मोहतरम ख़्वाजा मोहम्मद नईम साहब ने मोहम्मद फ़ैसल मेहर और नवीद साहब की फरमाइश पर बहुत दिन पहले आज की तारीख़ के लिए मुझे पाबंद किया गुज़्त दिनों में आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं रश रहा सफ़र भी बहुत हुआ कुछ थकन है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िर हूँ और ये ज़िक्र थकाता नहीं है इसमें बरकत ही बरकत है शिफा ही शिफा है ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता बिगड़े भी बना देता है सब नाम मुहमद स वही वसल्लम ख़ुशी है ये नौजवान अक़दत और मोहब्बत से हर साल ये महफिल सजाते हैं पहले दूसरी जगह पर लेकिन गुज़्त बरस और इस साल यहाँ पर इन्होंने अहतमाम किया अल्लाह इनकी ये यह कबूल फरमाए और इसकी बरक़ात अता फरमाए जितने लोग दूर करीब से आए एक एक कदम पर एक एक लम्हे पर अल्लाह ताला सबको अजर अता फरमाए मेरी दो तीन बातें बुनियादी तौर पर सुन लें ताकि तकरीर को समझना आसान हो जाए ये किस चीज़ की आवाज़ है उनसे कहें अगर कुछ देर रोक सकें तो मेहरबानी तवज्जो पहली बात अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं मुसलमान होने का मतलब कि हम दीन इस्लाम के पाबंद हो गए मैं अगर पूरा समझाऊंगा टाइम ज्यादा लग जाएगा मुसलमान के माना होते हैं गर्दन रख देने वाला अल्लाह का हुक्म उसके नबी का हुक्म गर्दन रख दी अगर मगर चू चरा इफ बट्स ये नहीं करना बल्कि जान से उसको तस्लीम करना है हमारा दीन किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है रब का अता किया हुआ है आपने मशहूर आयत सुनी हुई है अल्यूमा अकमल तोलकुम दीन अकुम व अतमम तो अली कुम नती वी तोमोल इसस्लाम दीना हजतल के मौके पर यह आयत नाजिल हुई थी आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया नेमत को पूरा कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद किया ये रब का दिया हुआ दीन है इसमें किसी को किसी तरह दखल की इजाजत कह दीजिए नहीं।, नहीं है यह इंसानी कवानीन का दीन नहीं है खुदाई फरामीन का दीन है अल्लाह हमारा बनाने वाला हमारा खालिक हमारा मालिक वो हमें जो कुछ अता फरमाता है उसमें हमारी बेहतरी है हमें समझ आए या ना आए समझने की कोशिश करते हैं समझ भी आ जाता है छोटी सी मिसाल दूं बंदा जा रहा था जो अपनी अकल को सब कुछ समझ रहा था तरबूज फल का नाम है मतीरा कहते हैं भी कहते हैं वाटरमेलन भी कहते हैं उसने देखा बेल के साथ लगा हुआ है जमीन पर इतना बड़ा फल और बेल के साथ लगा हुआ है सामने उसको सेब के दरख्त नजर आए कि सेब छोटा सा फल है लगा है तरबूज बेल के साथ जमीन पर अकल में उसकी आया के इस तरबूज को दरख्त पे होना चाहिए था सेब को यहाँ बेल पर होना चाहिए था उसने अपनी अकल से जो सोचा कह दिया कुछ दूर सफ़र करके गया थक गया एक दरख्त के नीचे लेट गया नींद आ गई सेब का ही दरख्त था फल कभी खुद गिर जाता है कभी परिंदे कतर देते हैं एक सेब उस पर नींद की हालत में गिरा तो हड़बड़ाकर उठा फौरन कहने लगा अगर तरबूज होता तो मेरा क्या हाल होता ये सही लगा हुआ है यहां पे तो इंसानी अकल की मैंने आपको बात समझाई अकल अयार है सौ भेस बना लेती है अलामा इकबाल ने कहा आज कुछ लोग अपनी अकल को इमाम बनाकर दीन की बातों को तय करना चाहते हैं 1400 साल में किसी को दीन समझ नहीं आया इनको समझ आ गया उनका यही दावा है कि ये समझे हैं इससे पहले कोई नहीं समझा हालांकि सच्ची बात यह है कि जैसे पहले लोग थे आज वैसे नहीं।, नहीं मैं एक आलिम की बात करूं इमाम अब्दुल वहाब शोरानी रदी अल्लाह उनके बारे में मुखालिफों ने लिखा है बहरुल ला सा लहू वो, ला वो इल्म के ऐसे समंदर हैं जिसका कोई कनारा नहीं है इमाम राजी इमाम फखरुद्दीन राजी 606 हिजरी में हुए आज 1445 सौ पैंतालीस है वो फरमाते आऊज बिल्लाजीम ये तवुज कहते हैं इतने कलेमे को वो फरमाते मैं इससे दस हजार मसला बयान कर सकता हूँ उनके पास शैतान आ गया आखिरी वक्त था इमाम राजी का नजा का आलम सकराते मौत मौत की निशानियां जाहिर हो रही थीं शैतान एक शख्स की शक्ल में आ गया हजरत मुझे एक सवाल करना है फरमा मेरी तबीयत ठीक नहीं किसी और से पूछ लो वो आगे से शैतान था उसने फौरन मक्खन लगाया कि आप जैसा कोई आलम नहीं है मुझे आप ही से पूछना फरमाया जल्दी पूछ उसने कहा यह बताएं आपके पास अल्लाह के एक होने की क्या दलील है अल्लाह एक है आप भी कहिए अल्लाह कौन सा एक नंबर के हिसाब से एक तो दो का आधा होता है एक के दो आधे हो जाते हैं अदद के लिहाज से अल्लाह वाहिदे अदी नहीं है लोहा एक चीज़ है लकड़ी एक चीज़ है जेंस, नौ इस लिहाज से भी अल्लाह एक नहीं ना वो वाहिद अददी है ना वो वाहिद नौई है ना वो वाहिद जिन्सी है गंदम और चीज़ है चावल और चीज़ है अल्लाह वाहिद हकीकी है वो ऐसा एक है कि उस जैसा कोई और एक नहीं उसने कहा आपके पास अल्लाह के एक होने की क्या दलील है इमाम राजी ने जवाब दिया दलील पेश की वो शैतान था उसने दलील तोड़ दी आपने दूसरी तीसरी चौथी पांचवी तीन सौ साठ दलीलें पेश की कितनी ऊंची कहिएगा लाओ कोई आज ऐसा लाओ उसने सारी तोड़ दी इधर मौत का वक्त उसका मकसद ही यही था कि ये ईमान सलामत लेकर न जाए इनका ईमान जाया हो जाए हजरत ने अपने पीरो मुर्शिद को याद किया हर मुश्किल दी कुंजी यारो इन अमरदा दे हत आई मर्द निगाह करण जिस वेले मुश्किल रहे न का जो कहते हैं बाबे नहीं है उनका नहीं है ना कोई याद किया हजरत सैकड़ों मील दूर बैठे वजू कर रहे थे सैकड़ों मील का फासला था वजू फरमा रहे थे मुरीद ने याद किया पीर को खबर हो गई ये खबर कौन देता है अल्लाह फरमाता है जो मेरा प्यारा बन जाता है उसकी आंखें मैं बन जाता हूं हदीसे अल्लाह का फरमान जो मेरा प्यारा बन जाता है उसके कान मैं बन जाता हूं बंदा खुदा नहीं बनता खुदा बंदा नहीं बन जाता खुदा बंदे में घुस नहीं जाता समझ रहे हैं आप बंदा बंदा ही रहता है मगर कमाल अल्लाह की तरफ से ये मिलता है आंखें बंदे की होती हैं कुत खुदा की होती है फिर वो खुदा की दी हुई कुत से देखता सुनता है उसके लिए फासले कोई चीज नहीं हजरत वजू फ़रमा रहे थे पानी चुल्लू में लिया हुआ था वहीं से मुरीद की तरफ फेंका मुरीद को पीर नजर आ गया फासला लेकिन नजर आ गया मैं ये शैतान है तेरा ईमान लूटने आया है इसको कह दे मैं अल्लाह को बेदलील एक मानता हूं ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया अफसोस हमारे पास घंटे का टाइम मैच देखने के लिए तो निकल आता है दीन सीखने के लिए नहीं निकलता सोशल मीडिया पे कोई आ जाए आकर चर्ब जबानी हैं, जितना तेज बोलना चाहे और लोग कहते हैं कि ये बड़ा पढ़ा लिखा है एक ज़माने में एक शख्स आया था उसको नंबर बहुत याद थे आयत नंबर इतना सूरत नंबर इतना नंबर ही था ना उसको नंबर बहुत याद थे लोगों ने कहा देखो अरे नंबर याद करना कोई कमाल नहीं है हमने उसको मैंने जाती तौर पर छह मरतबा टीवी पे चैलेंज किया था हमारी अरबी किताबों में जेर जबरे नहीं होती हैं चूंकि सर्फ ना पढ़ लेते हैं अरबी पढ़ना तर्जमा करना आ जाता है मैंने कहा आ मेरे सामने एक सफा पढ़ के तर्जमा कर दे ये बहकाने के लिए प्लांट किए जाते हैं लगाए जाते हैं ताकि लोगों का दीन खराब किया जाए हम ऐसे किसी मुतजद ये नए बोलने वाले नई बातें करने वाले हम उनको कह देना चाहते हैं हमने नबी का दामन पकड़ा है तुम हमें गुमराह नहीं कर सकते हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं हमारा यकीन पुख्ता है अल्लाह की अता से और हम अल्लाह से यही कहते हैं हमारा दीन सलामत रहे हमारे ईमान की हिफाजत हो याद रखना मदार नजात नजात होगी तो अकीदों पर होगी अमलों पर नहीं होगी शैतान ने भी बहुत नमाजें पढ़ी थी मगर उसका अमल उसके काम नहीं आया छ लाख बरस नमाज पढ़ी जमीन के चप्पे चप्पे पर सजदा किया मगर अल्लाह फरमाता है वकान अमिन काफिरीन वो तो था ही काफिरों में से वो तो हो गया काफिरों में से क्यों नबी का अदब नहीं किया सारी मेहनत बर्बाद हो गई आज भी ये जितने लोग हैं ये नबी पाक की इज्जत इज़्ज़्ज्ज्ज़त नामूस को नहीं पहचान रहे खुद को आलिम साबित करने के लिए नबी के इल्म पर एतराज करते हैं सहाबा पर एतराज़ करते हैं अहले बैत अलिया पर जिनको अल्लाह अपना दोस्त फरमाए जो उस पर एतराज करे क्या वो सही मानने वाला है नहीं, नहीं। बस ये बात आपने याद रखनी है अल्लाह जिनको दोस्त बनाता है तो अल्लाह किसी गलत को दोस्त बनाता है वो खुद फरमाता है वकुल्लाकोमल्ला अल्लाह से डरो अल्लाह तुम्हें फरमाएगा और हम किसी जाहिल को हरगिज़ वली मानते नहीं।, नहीं जाहिल वली नहीं होता जो अल्लाह को खुद नहीं पहचानता दूसरों को क्या पहचान कराएगा तो ये जितने फितने उठे हुए हैं आप लोगों ने बच्चों को सिखाया नहीं अभी एक बच्चा आया ठीक है उसको उन्होंने सही कपड़े नहीं पहनाए लेकिन जितनी बात याद कराई उसके अंदर नक्श हो जाएगी वो उम्र भर इसको याद रखेगा आपके पास टाइम नहीं है आपने बच्चों को स्मार्टफोन आईपैड या कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह ले दिए वहाँ मुफ्ती गूगल उनको लगा रहा है जिस तरफ लगाना होगा सोशल मीडिया लगा रहा है आपके पास टाइम नहीं पहले बाप दादे बच्चों को अकीदे याद कराते थे दीन सिखाते थे अब जॉइंट फैमिली सिस्टम पसंद नहीं है सास ससुर के साथ रहना अकेले रहना है बच्चे टीवी देखते हैं या फिर इंटरनेट पे, नतीजा ये है कि उनको ईमान सही पहुंचता, नहीं, नहीं बिगड़ रहे आप क्या समझते हो आप लगे हुए हो कमाने में आपकी असल कमाई तो आपकी औलाद है उस पर आपने टाइम नहीं लगाया कबर में चले जाओगे हशर में आपसे पूछा जाएगा बच्चों को दीन सिखाया था या नहीं सिखाया जिम्मेदार आप हैं कुल वकुल्लकुम मसूलती हदीस है तुम में से हर एक निगरान है उससे उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा बाप से औलाद के बारे में पीर से मुरीद के बारे में बारे में उस्ताद से शागिर्दों के बारे में सवाल होगा बादशाह से रिया के बारे में बताओ क्या किया था तो आप क्या जवाब दोगे आप कहोगे जी हम कमाने में लगे हुए थे आपने क्या कमाया चार पैसे कमा लिए बच्चों का ईमान चला गया बताइए कामयाब हुए या नाकाम सोचिएगा गौर कीजिएगा ऐसे में ये महफिलें सजाई जाती है ताकि आपके कान में हक की बात पहुँचे आप कुछ सीख लें और सीख के आगे घर में जाके सिखाएँ लोग घरों में जाके बताते थे बीवी बच्चों को बिठा के सिखाते थे हमारे पास टाइम नहीं।, नहीं है नतीजा आपके सामने तो मुझे ख्वाजा साहब ने तो बहुत कुछ फरमाइशें की हैं लेकिन साहिब खाना ने जो मौजू दिया है मैं उस पर पहले गुफ्तगु करूंगा दरम्यान में सारी बातें इन शाह आ जाएंगी अब जो बुनियाद मैंने कायम की है वो ये कि अकीदा बनता है कुरान और हदीस से अकीदा किससे बनता है जो कुरान और हदीस से नहीं बनता वो इस्लामी अकीदा नहीं, नहीं है नून स्वाद नस अल्फाज को कहते हैं कुरान हदीस के उसकी जमा नसूस उनसे अकीदा बनता है कैसे बनता है ये जानते हैं अकीदा कुरान हदीस से बनेगा अगर कोई क़रन हदीस के मुताबिक बात करेगा हम सुनेंगे कुरान हदीस के मुताबिक बात नहीं करता तो वो भले दुनिया का बड़ा बादशाह हो उसकी बात हम मान सकते नहीं अब दूसरी बात सुने अकीद कहते किसको है? हजारों बैठे हैं आप मेरे सामने आपको नहीं मालूम अकीदत किसको कहते हैं नहीं मालूम आप कह देते हो जी आपसे बड़ी अकीदत है आप कह देते हो जी मेरा पक्का अकीदाकीदा कहते किसको हैं नहीं मालूम आप लोग नमाज पढ़ते हो नमाज फारसी का लफ्ज़ है अरबी में सलात उसके चालीस माना है बहर हाल तो चाहता हूं दुआए कुनूत पढ़ते हैं आखिरी नमाज में वितर की नमाज में कुनूत किसको कहते हैं नहीं पता आपको रमदान में तरावी पढ़ते हैं तरावी का लफ्ज आपने सुना हुआ है तरावी कहते किस हैं किसको है नहीं पता आपको नतीजा क्या है वो देखते हैं ये मैदान खाली है वो बीज बो देते हैं अपनी फसल लगा लेते हैं आपको गुमराह कर देते हैं सीखा होता तो कोई आपको बिगाड़ नहीं सकता कनूत के माने फर्मा बरदारी के हैं हम अल्लाह की फरमा बरदारी का ऐलान करके सोएं कि अगर मौत आ जाए तो कम अज़ कम फर्मा बरदार तो शुमार हों तरावीह जमा है तरवीहा की तरवीहा का मतलब राहत पाना चार रकत के बाद उतना टाइम आराम करना जितना चार रकत में लगा है इसको तरवीहा कहते हैं उसकी जमा हो गई तरावी हमने ये बातें सीखी नहीं अब लफ्ज अकीदा सुन ले दिल में जम जाने वाले ख्याल को अकीदा कहते हैं और के मुताबिक जो बात दिल में नक्श कर ली जमा दी उसको अकीदा कहते हैं उसकी जमा अकायद है एत अकीदत किसको कहते हैं कोई अच्छी जायज चीज हो उसके लिए दिल में जगह बन जाए उसको अकीदत कहते हैं मसलन आपने कोई अच्छी चीज देखी कोई अच्छा शख्स देखा अल्लाह वाला देखा उसके लिए दिल में जगह बन गई आप कहते हैं मुझे तुमसे अकीदत हो गई है समझ आ गई बात मैंने ये मुख्तसर समझाया मैं मिसालें दूं तो टाइम लग जाएगा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ले तो मीनू बिल्ला ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान का मतलब यकीन करना मान लेना अल्लाह को माने और उसके रसूल को अगर कोई रसूल को नहीं मानता वो अल्लाह का मानने वाला ऊंची गई है महंगाई बहुत हो गई है हुकूमत आपका खून छोड़ रही है मगर अभी तक उन्होंने बोलने पे टैक्स नहीं लगाया तो जवाब दीजिएगा मुझे ज़रूर ईमान लाओ मानो यकीन करो अल्लाह पर और उसके रसूल पर तो जो रसूल को नहीं मानता वो अल्लाह का मानने वाला नहीं। शैतान ने ला इला ला इतना कलेमा पढ़ा मुहमदल्ला नहीं पढ़ा तो वो मुसलमान क्योंकि मैं और आप अगर अल्लाह को जानते और पहचानते हैं तो नबी के बताने से जानते हैं नबी ने हमें बताया है अल्लाह का उनके बताने से जानते हैं मेरे हजरत साहब एक शेर पढ़ा करते थे खुदा किसको कहते थे क्या जानते थे खुदा किसको कहते थे क्या जानते थे वो तेरी जुबा से सुना है मोहम्मद सल्ला नबी ने बताया है तो हम अल्लाह को जानते और पहचानते हैं ये भी पूरा एक मौजू है चले आगे चले मैं और आप नबी पाक सल्ला वसलम को अल्लाह का सच्चा और आखिरी नबी मानते हैं किसी को शक है तो अभी हाथ उठाए नहीं पक्की बात है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया मई युते फकद अता अल्लाह जिसने नबी का कहना माना उसने हकीकत में अल्लाह का कहना माना नबी की फर्मा बरदारी फर्मा बरदारी के फारसी लफ्ज हैं फरमान बात को कहते हैं बरदारी उसको पूरा करना यानी कहना मानना तो जो नबी की बात मानता है वो किसकी बात मानता है ऊंची कहिएगा अल्लाह ताला की मानता है कोई ये कहे कि मैं सिर्फ कुरान को मानूंगा हदीस को नहीं मानूंगा तो मैं उससे ये कहूंगा तेरे पास कुरान के कुरान होने का सबूत क्या है नहीं नहीं कौकब उकाडवी मेरा नाम है खतीब आजम हजरत मौलाना मोहम्मद शफी उकाडवी रमत का बेटा हूं आप लोग पहचानते हैं दावा करता हूं ला मोहम्मद रसूल सल क़लमा पढ़ के चैलेंज करता हूं जो कहते हैं हम हदीस को नहीं मानते जरा मुझे कुरान वाली नमाज पढ़ के दिखा दें इतनी सी बात करो कुरान वाली नमाज पढ़ के दिखा दें कुरान में तकरीबन सात सौ जगह पर नमाज का हुक्म है ये कानों तक हाथ उठाना है जरा कुरान में दिखाओ कहाँ बांधना है कुरान में दिखाओ तरतीब दिखाओ कि पहले सना पढ़नी है फिर अवज़बिल्ला फिर बिसमिल्ल उसके बाद सूरह फातिहा, फिर कुरान की तिलावत कितनी करनी है कैसे करनी है रुकू सजदे का लफ्ज़ क़याम का लफ्ज़ कुरान में मौजूद है रुकू में कितना झुकना है उसमें पढ़ना क्या है रुकू के बाद सीधा सजदे में चले जाना है या पहले खड़े होना है कौम कहते हैं सजदेसात अज़ा पर होता है एक करना है दो करना है ज़रा दिखाओ ना मुझे तफसल फजर की चार जोहर की चौदह रकतें असर की आठ रकतें मगरब की सात रकतें ईशा की सत्रह टोटल मिला के पचास हो जाती है मुझे दिखाओ कहते हो ना हम हदीस को नहीं मानेंगे सिर्फ कुरान को मानेंगे नबी के बगैर तुम किसी तरह कुरान पर अमल कर सकते ही नहीं जिस जबान से हमें हदीस मिली है उसी जबान से कुरान मिला है ने गवाही देते अनिल हवा इ मेरा यह हबीब अपनी खाश से अपने लब नहीं हिलाता इसके लब कब हिलते हैं जब हमारी वही होती है हिलते उधर हैं नजर इधर आते हैं हिलते उधर हैं समझने के लिए बात अल्लाह जिसम जिसमानी आसे पाक हिलते उधर हैं नजर नहीं समझे तो समझाना पड़ेगा आप लोग मुझे देख रहे हो चले दो आवाजें आ गई बाकी ने शायद देख रहे हो मेरे अपने दरमियान लगा लो पर्दा मैं नजर आऊंगा यहां फासले पर आईना, शीशा मिरर, मेरा जो भी आप नाम लेते हैं वो रख दें मैं उसमें नजर आऊंगा या नहीं ऊंची अब एक सवाल है इसका जवाब आपने अगर दे सकते हैं तो देना है वो जो आईने में नजर आ रहा है वो मेरा आयन है या मेरा गैर है जो सोच सकते हैं जवाब दे सकते हैं जरूर दे नहीं देते तो मैं जवाब दे देता हूं ना वो मेरा आयन है ना वो मेरा गैर है वो मेरा अक्स है वो मेरा आयन भी नहीं खुद से नहीं <coughs> मैं हट जाऊं तो फिर नजर आऊंगा वहां पे। तो वो मेरा आयन भी नहीं मेरा गैर किसको कहते हैं जिसका वो गैर है उसके मुकाबले में उसकी हैसियत मुस्तकिल हो यहां इसी तरह का एक और स्टैंड रख देंगे तो वो इसका गैर होगा वो इसका क्योंकि उसका अपना वजूद हैसीयत मुस्तकिल तो आपने ये भी ना वो आयन है ना वो गैर है मगर वो जो आईने वाला है वो अपनी मर्जी से होंठ हिलाएगा हिलेंगे इधर नजर आएंगे नहीं सोचा अगर इधर नहीं हिलेंगे तो वहां भी नजर अब पढ़ो आला हजरत का शेर अब आपको सब बात समझ आएगी फरमाते हैं बा खुदा खुदा का यही है दर नहीं और कोई मफर मकर बखुदा का मतलब अल्लाह की कसम अल्लाह का कोई दरवाजा है तो मुस्तफा है मफर भागने की जगह मकर कहीं पना लेने की जगह नबी से ना भाग सकते हो ना कहीं पना ले सकते हो बखुदा खुदा का यही है दर नहीं और को ई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो हिलेंगे उधर नजर आएंगे जो वहां से हो यहीं आके हो जो यहां नहीं तो वहाँ नहीं बात समझ आई आपको है हजूर से पूछा गया हजूर ने फरमाया युन्नासद हज फू तुम पर हज फर्ज कर दिए गए लोगों हज अदा करो साहबी ने पूछा अकुल्ला आमिन या रसूल अल्लाह क्या हम पर हर साल हज फर्ज हुजूर खामोश दोबारा पूछा नबी खामोश तीसरी बार पूछा फरमा लो तो नाम अगर मैं हा कह देता तुम पर फर्ज हो जाता पता चला नबी के होंठ कब हिलते हैं जब वही होती है जब रब का हुक्म होता है तो हमें उसी मुंह से हदीस मिली है जिस मुंह से कुरान मिला है तो जो नबी को नहीं माने क्या कुरान का मानने वाला होगा ऊंची नहीं। नहीं। अच्छा आप में से जो लोग मस्जिद में जाकर बा जमात नमाज अदा करते हैं मेरे एक सवाल का जवाब दे पूछ रहा हूं आपसे यहां ख्वाजा हैदर साहब भी बैठे हैं दूसरे भी बैठे हैं, ख्वाजा साहब वहां बैठे हैं। आप लोग जो सामने बैठे हैं सब सुन रहे हो जवाब दो तवज्जो फ़जर में गए इमाम साहब ने किरात की फ़र्ज़ नमाज में सूर फातः अभी ऊँची आवाज़ से पढ़ी उसके बाद कुरान की सूरत या आयात ऊँची आवाज़ में जोहर में गए तो अल्लाह अकबर कह के, के आवाज़ नहीं आ रही इमाम साहब की वो किरात तो कर रहे हैं मगर खफ़ी दिल ही दिल में ज़बान हो ठ हिल रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही नमाज के बाद इमाम साहब से पूछो इमाम साहब घर में खैरियत है बीवी से लड़ाई तो नहीं हुई सुबह तो आप बड़ी प्यारी किरात कर रहे थे अब आपकी आवाज किधर चली गई कोई सदमा कोई गम कोई परेशानी असर में आए फिर इमाम साहब का वही हाल क्या हो गया इमाम साहब कहते नहीं जी इसी तरह पढ़ते हैं क्यों नबी ने ऐसा ही किया सुछार। सुछार। नबी ने ऐसा ही किया मगरब में आए तो फिर इमाम साहब की आवाज आ रही है वो पिछली दो नमाजा की हो गया सी वहां क्या हो गया था आपकी आवाज नहीं आ रही थी तो दुनिया के किसी मुफ्ती के पास जाओगे वो कहेंगे इसी तरह नबी ने किया कुरान कह रहे हैं फकरऊ मातयन कुरान कुरान पढ़ो नमाज में लेकिन इमाम साहब आवाज से नहीं पढ़ रहे दो नमाजों में तीन में पढ़ रहे हैं आवाज के साथ बाकी दो में क्यों नहीं पढ़ रहे कि नबी ने ऐसा किया तो पता चला अल्लाह का हुक्म मानना कब अब होगा पूरा जब नबी के मुताबिक करेंगे नबी से हटकर हम खुदा के हुक्म अमल कर सकते अब आपको ये भी जानना होगा आप सोच रहे होंगे कि इन दो नमाज़ों में हल्की आवाज़ से बग़ैर आवाज़ के क्यों पढ़ते हैं आपके जेन में सवाल होगा चलो उसका भी जवाब दे देता हूँ मेरे प्यारे नबी पाक अलैहि वसल्लम ने जब खुलेआम नमाज़ पढ़ाना शुरू की मक्का मुकर्रमा में तो काफिरों के सरदारों ने लौंडों को बुला लिया लड़कों को कि जब नबी नमाज़ पढ़ें सहबा नमाज़ पढ़ें तुम हूटिंग किया करो शोर किया करो ओ, ओ, जिस तरह करते हैं हुटिंग लड़के तुम इस तरह हुटिंग किया करो लड़कों ने शोर करना शुरू कर दिया नबी पाक ने फरमाया मेरे साहबा जब हम फजर पढ़ रहे होते हैं ये सो रहे होते हैं मगर बिशा में ये घरों में चले जाते हैं शोर करते हैं जोहर असर में जोर असर में बगैर आवाज के पढ़ लिया करो अब काफिर मक्का नहीं आ सकता लेकिन हुक्म वही है जो नबी ने कह दिया जो नबी ने कर दिया तो नबी के बगैर चल सकते हैं ऊंची कहिए क्या अमल हो सकता है हरगिज हरगिज नहीं जो नबी का दामन छोड़ दे वो खुदा का कहना मानने वाला शुमार हो सकता नहीं, नहीं।, नहीं। है मपिंदार सादी के राहे सफा शेख सादी फरमाते नबी को छोड़ के तुम दीन की राह चल सकते नहीं। और सुन ले अगर यही बात है मैं और सुना देता हूं आप में से माशाल्लाह बहुत से लोगों ने हज किया होगा अल्लाह सबको नसीब करेगा हज पर जाते हैं आप कुरान कहता है इन सलाकानी न किताबम मौकूता नमाज मोमिनों पर वक्त मुकर्रा में फर्ज है फजर का क्या टाइम जोर का क्या टाइम असर मगरबा टाइम मुकर्र है मगरब का टाइम बताएंगे क्या है गुरूब आफ्ताब बिल्कुल सही जवाब अरफात में नौ तारीख को हज के महीने की हज का सबसे बड़ा रुकन है हाजी जमा होते हैं मैदान अरफात में अगर किसी ने अराफात में वकूफ नहीं किया वकूफ के माने ठहरना नहीं ठहरा है तो उसका हज नहीं सारे हाजी उस दिन हज कर लेते हैं वहाँ मगरिब का टाइम हो जाता है कोई वहाँ मगरब की नमाज नहीं पढ़ता कोई भी वहाँ मगरिब की नमाज वहाँ से निकलते हैं मुजदलेफा आते हैं जिसको कुरान ने मशा हराम कहा है वहाँ पहुँचने में किसी को एक दो तीन चार पाँच घंटे लग जाते हैं पैदल भी आते हैं बसों पे पच्चीस लाख आदमी होता है एक ही सड़क होती है हशर हो जाता है बाद रात के दो बजे पहुँचते हैं कोई तीन बजे पहुँचता है कोई जल्दी पहुँच जाता है वहाँ पहुँच जब भी पहुंचेंगे मगरब कजा नहीं पढ़नी अदा पढ़नी है पहले मगरिब के फर्ज फिर ईशा के फर्ज फिर मगरिब की सुन्नतें फिर ईशा की सुन्नतें अल्लाह फरमाता है वक्त मुकर्रा लेकिन आप वहां नहीं पढ़ते कोई कहे नया नया हज किया है, तुझे क्या हो गया है नमाज नहीं पढ़ रहा वक्त हो गया है तो वो नहीं पढ़ा कोई पढ़ेगा तो पड़ी हुई बेपड़ी हो जाएगी बजाय सवाब के एहताब होगा मगर वहां से पहुंच के मुस्तलफा पढ़ते क्यों नबी ने ऐसा किया है नबी के बगैर चल सकते तो फिर उस नबी की बात करो ना उस नबी आपने देखा होगा हाजियों को जब तवाफ शुरू करते हैं दाया कंधा मर्द हजरात नंगा कर लेते हैं एहराम की चादर बगल के नीचे से निकाल के रमल और इज्त ये दो काम करते हैं पहले तीन फेरे पहलवानों की तरह छोटे छोटे कदम उठा के चलते हैं रश की वजह से टाइम ना मिले तो एक बार भी कर लिया काफी होता है लेकिन चलते हैं जब भी मौका मिलता है हर एक का दाया कंधा नंगा करें वहां रखते हैं यहां लोग आ रहे हैं। मेरी तवजो हटती है ऐसा किया सुनो कुरान कहता वाला तमशिफिल अर्द मराहा जमीन पर अकड़ के मत चलो मगर काबे में अकड़ के चल रहा है कुरान कहता है जमीन पर अकड़ के वहां काबे में पहलवानों की तरह अकड़ अकड़ के चल रहा है क्यों नबी ने ऐसा किया है क्यों किया है अब यह सवाल आपके जहन में आ जाएगा क्यों किया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर मदीना गए तो मदीना का पुराना नाम लेना अब जाहिज़ नहीं है कोई अगर वो मुँह से निकाल दे तो उसको तोबा करनी है दस मरतबा मदीना मुनवरा कहना यह हुक्म है पुराना नाम शायरी में गीत में किसी तरह ले सकते नहीं सिर्फ कुरान पढ़ते हुए आता है वो उस तरह पढ़ा जाएगा उसका पुराने नाम के माने हैं फसाद की जगह बीमारी की जगह जो कोई वहाँ जाता था बीमार पड़ जाता था जब हुजूर हजरत फरमा कर गए मक्का वाले बड़े खुश हो गए कि ये ऐसी जगह गए जहाँ जो जाता है बीमार हो जाता है मुसलमान बीमार होकर मर खप जाएंगे हमें लड़ना भी नहीं पड़ेगा और ये ख़त्म हो जाएंगे हजूर मदीना गए और दुआ की आल्ला जितनी बरकतें मक् में रखी हैं उससे दोगुनी बल्कि चौगनी मदीने में रख दे फरमाया यहाँ की बलाएं वादी जोफा में डाल दे नबी ने मदीना को दारोशा बना दिया जब उमरा करने आए फरमाया मेरे सहाबियों दाया कंधा तवाफ करते वक्त नंगा कर लेना और पहले तीन फेरे जरा अकड़ के चलना मक्के वालों को दिखा देना हम बीमार होके नहीं आए तंदरुस्त होके आए हैं सुन रहे हैं आप अब वहां कोई देखने वाला नहीं है मगर हुक्म वही है जो नबी ने किया खिलाफ पयम्बर कसेरा गुजीत के हरगज बंजिल नहाद रसीद नबी के बग़ैर चल सकते नहीं ईमान लाओ अल्लाह पर उसके रसूल पर नबी का कहना मानने वाला ही अल्लाह का कहना मानने वाला कहलाएगा जो नबी का कहना नहीं मानता वो अल्लाह का मानने वाला कहला सकता बात आपको समझ आ गई मैंने बुनियाद कायम करनी थी वाकयात सुनाऊँ दलीलें और आयतें तो मैं मौजू रह जाएगा तो मीनू बिल्ला व रसूली पहला काम ईमान लाना है अल्लाह और उसके रसूल पर जैसा ईमान लाना चाहिए अल्लाह को जैसा मानना है वैसा ही कुछ लोगों ने अल्लाह के बारे में गलत बातें लिख दी हैं तो क्या मान लेंगे किसी ने लिखा अल्लाह को पहले से पता नहीं होता बंदे क्या करेंगे जब बंदे कर लेते हैं तब अल्लाह को पता चलता है क्या ऐसा ही कहोगे जो ऐसा कहता है मुसलमान है उसकी अपनी नमाज होती है जब उसकी अपनी नहीं होती उसके पीछे किसी की कैसे होगी मसला समझ रहे लोग कहते हैं एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ती जिसकी अपनी नहीं हो रही मैं उसके पीछे कैसे पढूं? क्योंकि आप अपनी नमाज इमाम से जोड़ते हैं उस इमाम का अकीदा ही दुरुस्त नहीं है आप उसको मोमिन मान लें आपका ईमान चला जाता है तो हम उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे जो नबी का गुलाम होगा जिसके अकीदे सही होंगे लीजिए जी ईमान लाना है अल्लाह पर उसके रसूल पर यकीन करना है पहला काम क्या करना है ईमान लाना है सही अकीदों के साथ अल्लाह को सही मानना है नबी को जो ये कहे कि अल्लाह झूठ बोल सकता है क्या मोमिन रहेगा ऊंची किताबों में लिखा है किताबें मेरे पास मौजूद है मेरी पूरी एक वीडियो है आखिर इख्तलाफ क्यों इंटरनेट पे मौजूद है देख लो मैंने जिस जिस किताब के जिस सफ़े पर जो बात लिखी है सामने डॉक्यूमेंट्री दिखाई है कोई ये ना कहे कि हम अपनी तरफ से बातें बना रहे हैं खाम खा की लड़ाई है ये मुसलमानों तुम्हारा ईमान निकालने की कोशिश तुम्हारा नबी से ताल्लुक तोड़ने की कोशिश हम उनको बता देना चाहते हैं कि हम तुम्हारे कहने में आने वाले नहीं, नहीं। तो जो ऐसी बात करे अल्लाह के लिए माज अल्लाह जो गलत बात करे वो अल्लाह का मानने वाला नहीं कोई कहे कि शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है मान लोगे क्या माज अल्लाह जो ऐसा कहेगा मोमिन रहेगा जो नबी के इल्म को जानवरों से तशबी दे मोमिन रहेगा कि जैसा इल्म जानवरों के पास वैसा नबी के पास माज अल्लाह तो लितो तो बिल्ला ही व रसूली नामूस कहते हैं इज्जत को मेरे नबी के लिए जो ये बातें कर रहे हैं क्या वो नबी की इज्जत कर रहे हैं ऊंची कहिएगा अल्लाह फरमाता है लितो मीनू बिल्ला ही व रसूली ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर आम अनु आम बिल्ला ही व रसूल ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर या अल्लाह तू ईमान वालों को कह रहा है अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ तो मतलब क्या हुआ क्या मतलब जैसा मानना चाहिए वैसा मानो जैसा ईमान लाना चाहिए वैसे ईमान लाओ और ईमान लाकर पहला काम क्या करना है आप मोमिन हो गए क़लिमा पढ़ा ला इला मोहम्मद सल्ला पहला काम क्या करना है नमाज पढ़नी है जक़ात देनी है रोजा रखना है हज करना है नहीं वह तो अज्ज व तो वक्के ये सब काम बाद में होंगे नबी की ताजीम पहले होगी नबी की इज्जत पहले होगी जो नबी की तजीम नहीं करता उसकी नमाज नमाज नहीं उसका रोजा रोजा नहीं उसका हज हज नहीं है। एक बात कहने लगाऊं शायद समझ में आ जाए सजदा करो तो सर खुदा के लिए झुके दिल मुस्तफ़ा के लिए झुके जान लो ईमान की है जान हुब्बे मुस्तफ़ा अच्छी तरह जान लो कि ईमान की जान नबी की मोहब्बत जान लो ईमान की है जान हुब्बे मुस्तफ़ा और बजुज ब्बे नबी बेसूद है जिक्र खुदा नबी की मोहब्बत नहीं तो अल्लाह के जिक्र का कोई फायदा और बजुज और बेगैर हुबे नबी बेकार है जिक्र खुदा है। सजदा करना हो तो यूं कर के हो सजदे में झुका सजदा करना हो तो यूं कर के हो सजदे में झुका सर खुदा के वास्ते दिल मुस्तफ़ा के वास्ते सर खुदा के वासिते दिल मुस्तफा के वासिते। आप कहेंगे नमाज अल्लाह की इबादत उसमें नबी का ख्याल कैसे आप ये सवाल करेंगे उस पर भी अदी सुना देता हूँ हमारी किताब का हवाला नहीं देता आला हजरत की किताब का हवाला नहीं देता गैरों का हवाला दे देता हूँ किताब का नाम अ अन मुहिमात तस्वु देवबंद के सबसे बड़े मुफ्ती जनाब अशरफ अली थानवी की लिखी हुई किताब बाजार में मिलती है उसमें उन्होंने हदीस लिखी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि के चचाजाद भाई हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तुम अर्ज करते हैं है। आज की रात आपके साथ गुजारना चाहता हूँ <laughs> क्यों मैं देखना चाहता हूँ अल्लाह का नबी रात कैसे गुजारता है हुजूर ने इजाजत दे दी इशा पढ़ के नबी पाक घर आए आके थोड़ी देर आराम करने लग गए वो कहते हैं हुजूर उठे हुजूर ने उठकर वजू फरमाया और नमाज पढ़नी शुरू कर दी हुजूर के दाई तरफ हुजूर के दाई तरफ मैं इसमें दो अदीसें मिला रहा हूँ तवज्जो से सुनना दो अदीसें दाई तरफ मैं भी खड़ा हो गया पहले यह सुना दू फिर वो सुनाता हूं आपको दूसरी जो सुनानी है कि नमाज में नबी का ख्याल कैसे वो बाद में ये अदीस मुंह पर आ गई है पहले ये सुन लो मैं तरफ खड़ा हो गया नबी पाक के नमाज मैंने भी पढ़नी शुरू कर दी नमाज के दौरान नबी ने हाथ बढ़ाया मेरा बाजू पकड़ के मुझे अपने बराबर खड़ा कर लिया हाथ छोड़ा नबी ने मैं फिर पीछे हो गया साहबी कहते हैं मैं मैं ऊंची कही नबी ने बराबर खड़ा किया था साहबी कहते हैं, मैं हुजूर ने थोड़ी देर के बाद फिर हाथ बढ़ाया मुझे अपने साथ खड़ा किया हुजूर ने हाथ छोड़ा मैं फिर पीछे हो गया तीन मर्तबा ऐसा हुआ कितनी मर्तबा नमाज पढ़ के नबी ने फरमाया भाई क्या फरमाया वो चचाजाद भाई थे हुजूर ने फरमाया भाई मैं तुझे अपने बराबर खड़ा करता था तू फिर पीछे हो जाता था अब भाई का जवाब सुन लो दिल के कानों से उनका भाई जरूर हूं मगर आपके बराबर खड़े नहीं हो सकता आप रसूल है रिश्ता जरूर है भाई का मगर मैं आपके खड़े होने में भी बराबरी नहीं कर सकता क्योंकि आप अल्लाह के रसूल हैं तो जो आज बराबरी करते फिर रहे हैं नबी के लिए किस तरह के अल्फाज कहते हैं क्या लफ्ज बोलते हैं क्या वाकई वो नबी को नबी मानते हैं यह हदीस आपने सुन ली अब सुने जो सुनानी थी नमाज में ख्याल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हजरत अशारी सब कहे रदी अल्लाह तहज्जुद में कुरान पढ़ रहे थे तहजद का मतलब ऊँग आने नींद आने के बाद की नमाज इशा के बाद आपको एक सेकेंड के लिए भी ऊँग आ गई तहजद का वक्त शुरू हो गया असल वक्त होता है फजर से घंटा पहले लेकिन आपको ऊँग है तहजद शुरू हो गई वो तहजद की नमाज पढ़ रहे थे और कुरान ऊंची आवाज़ से पढ़ रहे थे आप अकेले नमाज पढ़ रहे हों आप ऊंची आवाज़ से कुरान पढ़ सकते हैं बशर्ते कि आपका मकसद किसी को तंग करना नहीं के लिए या सताने के लिए नहीं अल्लाह की मोहब्बत में पढ़े वो ऊंची आवाज से कुरान पढ़ रहे थे नबी ने ने पीछे उनको नहीं पता को, ने उनका कुरान पढ़ना सुन लिया सुबह फजर के बाद उनसे फरमाया रात हमने तेरा कुरान पढ़ना सुना अल्लाह ने तुझे बहुत अच्छी आवाज दी है लहने दाऊदी से तुझे हिस्सा मिला है खुश लानी है बहुत अच्छी आवाज है हमने तेरा कुरान पढ़ना सुना साहबी आगे से क्या कहते हैं हुजूर मुझे पता होता कि आप सुन रहे हैं मैं और अच्छा करके पढ़ता ताके नबी खुश हो ताके नबी मुझे पता होता कि आप सुन रहे हैं मैं और अच्छा करके पढ़ता हदीस हो गई खत्म थानवी साहब नीचे लिखते हैं नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है नबी को खुश करने का क्या मतलब वो कह रहे हैं मैं और अच्छा करके पढ़ता ताकि आप खुश हो है? नमाज तो अल्लाह के लिए कैरात तो अल्लाह के लिए सहाबी कह रहे हैं और हुजूर ने उस पर मना नहीं किया क्या मतलब लिखते हैं नबी को खुश करना खुदा को खुश करना है जो नबी को खुश करता है वो अल्लाह को खुश करता है तो हमें जान लेना चाहिए जो नबी की इज्जत का ख्याल नहीं करता वो अल्लाह को खुश नहीं।, नहीं अच्छा आप लोगों को बड़ी मालूम होंगी मुझसे बहुत ज्यादा जानते होंगे आप 200 से ज्यादा मुल्क हैं दुनिया में झंडों के लिहाज से ज्यादा हैं वैसे 206 या कितने मुल्क हैं हर मुल्क में कहीं बादशाहत है कहीं जमहूरीत है कहीं कुछ अपना अपना निज़ाम है उनके यहाँ प्रोटोकॉल आदाब बादशाह से कैसे मिलना है बादशाह के तौर तरीक़े क्या होंगे बादशाह के रस्म क्या होंगे आदाब क्या होंगे या तो बादशाह ख़ुद बनाता है या उसके वज़ीर काबीना कैबिनेट डिवीज़न बनाती है या प्रोटोकॉल कमेटी होती है वो बनाती है कि जी इस तरह टाइम लिया जाएगा पहले ये होगा यूँ होगा यूँ होगा वो सारे आदाब बादशाह आएगा तो ये इस्तबाल इस तरह होगा फलाना आपने ये देखा सोना होगा दुनिया में इतने मुल्क हैं जब से इंसानी तारीख चली आ रही है कितने बादशाह हुए होंगे आगे चलता है सिलसिला उनके प्रोटोकॉल है मगर छह समते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे इस पूरी कायनात में एक मेरे नबी की हस्ती है जिसके प्रोटोकॉल खुद रब ने बनाए है अल्लाह तो मुबारकबाद बताओ की बात करने वालों ये मेरा नबी है उसकी इज्जत अल्लाह फरमाता बात करते हुए आवाज ऊंची ना हो भले कलिमा अदब का हो कितने अदब से बात करो आवाज ऊंची ना हो वरना अमल बर्बाद हो जाएंगे नबी के दरवाजे पे आना है ना दरवाजा नहीं खटखटाना घंटी नहीं बजानी आवाज नहीं लगानी अदब से हाथ बांध के बाहर खड़े हो जाओ नबी निकलेगा तो मिल लेना कौन सुना रहा है ये अल्लाह ताला सिखा रहा है सुनो नबी के सामने आवाजों को पस्त रखना है हल्का रखना है ये तुम्हारे दिल का इम्तिहान है अदब अदब नहीं तो सुनो पुकारते हो ना मैं कहूं नबी साहब मियाँ जावेद साहब आपका नाम मोहम्मद यासीन साहब पुकार रहा हूं ना ओ भाई यासीन ओ मिया ओ फलाने? अल्लाह फरमाता है सुनो नबी को इस तरह नहीं बुलाना खबरदार कदो आए बाबा आप, आपस में जिस तरह एक दूसरे को पुकारते हो ला दुआ दो मेरे नबी को इस तरह नहीं पुकारना ना भाई कह के पुकारना ना एक, इस तरह कह के, के सुनो पुकारना है तो या रसूल अल्लाह कह के पुकारना या नबी अल्लाह या मोहम्मद नहीं कहना या रसूल अल्लाह कह के पुकारना समझ आ रही है बात ये कौन सिखा रहा है कौन सिखा रहा है अल्लाह और जिसके आदाब खुद रब सिखाए उसको कहें हमारे जैसे थे जैसे हम बशर वो बशर जो इस तरह कहता है बेदीन है शैतान है सुनो एक मसला याद कर लो नबी को बशर अल्लाह ने कहा नबी को बशर एक मरतबा अल्लाह कहें चालीस नेकिया मिलती हैं नबी को बशर अल्लाह ने कहा नबी को अपने जैसा बशर शैतान ने और काफिरों ने कहा किसने कहा काफिरों ने खुद तवाजो करते हुए आजजी करते हुए नबी ने खुद को बशर कहा तीन बातें हैं ना कुरान में तीनों बातें अल्लाह ने कहा काफिरों ने कहा या खुद नबी ने कहा आज जो नबी को अपने जैसा बशर कहते हैं या सिर्फ बशर कहते हैं क्या वो खुदा हैं क्या वो नबी हैं तो फिर किसके तरीके पर सोचो हम उनको बशर मानते हैं वो बिला शुबा बशर हैं, मगर कैसे बशर हैं? वो बेमिसल बशर हैं बेमिसाल बशर उन जैसा उन जैसा ना था ना है ना होगा समझ आ रही है कुछ लोग कहते हैं तुम जो कहते हो अब नबी जैसा नहीं हो सकता तो तुम खुदा की कुदरत का इनकार करते हो अल्लाह चाहे तो नबी जैसे सौ बना दे सैकड़ों बना दे करोड़ों बना दे अल्लाह कुदरत रखता है तो जब तुम कहते हो नबी जैसा नहीं हो सकता तो तुम अल्लाह की कुदरत का इनकार करते हो मैंने कहा हम ऐसा नहीं करते हम अल्लाह की कुदरत का इनकार नहीं करते लेकिन दावे से कहते हैं नबी जैसा नहीं होगा क्यों इसलिए कि अल्लाह बनाएगा नहीं वो बना सकता है मगर क्यों अल्लाह अपनी बात के खिलाफ करता नहीं उसने कुरान में नबी को आखिरी नबी कह दिया है अगर नबी जैसा कोई और हो तो क्या नबी आखिरी नबी रहेंगे नहीं, नहीं। तो अल्लाह अपनी बात के खिलाफ नहीं करता ये मसला खत्म नबूवत का है कि अब मेरे नबी जैसा कोई हो सकता नबी आखिरी नबी है नबी सबसे ओलाओ आला आपने ये नात हजार बार सुनी होगी पढ़ी होगी समझो भी इसको सब से सब से सबसे सब का मतलब क्या है अल्लाह के सेवा सब से अल्लाह के सेवा सब से, सब से।, सब से। अब इस सब से आप कुछ निकाल नहीं सकते ना किसी नबी को ना किसी वली को किसी चीज को निकाल सब से अल्लाह के सिवा जो कुछ है वो अल आलमीन है मासे वल्ला अल्लाह के सिवा सब कुछ कायनात है और वो सब आ गया उसमें उन सब से ओला औला के माने प्यारे करीब उन औला के माने मुकर्रब के आला के माने अच्छे के बुलंद के इस सारी कायनात में सब से अल्लाह के सिवा सब से आला हमारा नबी सब से आला, ओ आला। सब से सबसे ओ वाला हमारा नभी। पहले नबियों के अल्लाह ने नाम लिए हैं या आदम या नूह हो या इब्राहिम या मूसा या ईसा या या सब नबियों के देखो कि पच्चीस या छब्बीस के नाम कुरान में है या कह के उनका नाम लिया है अलहमद से वन्नास तक पूरा कुरान मुझे दिखाओ अल्लाह ने कहीं या मोहम्मद कहा हो अल्लाह ने जहां कहा है या अय्यूहर रसूल या अय्यूह नबी या अय्यूहल मुजम्मिल या अय्यूहल मुद्देर यासीन ताहा बेलकब उनका नाम अल्लाह ने कहीं पुकारा इसमें अहमद की ताजीम के मुन किरोमत को क़ुरआन में देख लो बेलकब उनका नाम मुबारक कहीं उनके माबूद ने भी पुकारा नहीं तो जब नहीं रब खुद नहीं पुकार रहा तो हमें कितना अदब करना चाहिए सुन रहे हैं या नहीं पूछ रहा हूं आपसे वो लोग जो कहते हैं नहीं नबी की ताज़ीम सिर्फ बड़े भाई की सी करो इतनी करो जितनी बड़े भाई की करते हो ये छुट भइये हैं नबी को बड़ा भाई कहना चाहते हैं इनको शर्म नहीं आती कुरान कहता है अन min नबी यो अवला बिलमो नमिन अन नबी मोमिनों की जान का मालिक उनसे ज़्यादा हक रखता है उनकी जान पर और मोमिनों की माए मोमिनों नबी की बीवियां मोमिनों की माए नबी की बीवियां मोमिनों की माँ के शौहर को क्या कहते हो शुभ है कुछ क्या कहते हो ये कहते हैं नबी की ताजीम करो बड़े भाई की सी कुरान कह रहा है नबी की बीवियां तुम्हारी माए तो नबी तो रूहानी बाप हुआ ये कहते हैं ताजीम करो बड़े भाई की सी इनकी माने या रब की माने तो हम रब की मानते हुए यही कहते हैं मेरे नबी जैसा नबियों ने उनकी बराबरी नहीं की उनकी नामूस का मसला सुनना चाहते हो तो ये कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया जो मेरा गुनागार है वो नमाज नहीं पढ़ता रोज़ा नहीं रखता जक़ात नहीं देता हज नहीं करता मेरा गुनागार है मैं सजा देकर या बग़ैर सजा के माफ़ करना चाहूँ मेरी मर्जी मगर फरमा दिया महबूब जो तेरा गुस्ताख है इस तक फिर लहूम औला दस्तक फिर मर रतन फल महबूब तुझे रहमतुल्ल आलमीन बनाया है तू अपने गुस्ताख को माफ भी कर देगा नहीं नहीं सत्तर मरतबा उसकी सिफारिश करेगा हम तब भी उसको नहीं बख्शेंगे अल्लाह सोशल मीडिया पे आके नबी के बारे में बकवास करने वालों अल्लाह ने वाज फरमा दिया सत्तर मरतबा नबी भी माफी चाहेंगे तो अल्लाह तुम्हें नहीं बख्शेगा अपने गुना को बख्श देगा नबी के बेअब को ऊंची पढ़ो बुखारी शरीफ अब्दुल्ला बिन ओब मुनाफिकों का सरदार नबी के पीछे नमाज पढ़ता था मदीने में रहता था नबी के पीछे नमाज पढ़ता था अल्लाह उसके बारे में मुनाफिकों का सरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जानवर पर सवारी करते थे जब तक आप उस पर सवार रहते थे वो बोलो बराज नहीं करता था बौल पेशाब को कहते हैं बराज पखाने को वो बोलो बराज नहीं करता, नहीं करता था नबी जब तक सवार रहते थे हुजूर एक गधे पर सवारी फरमाई जब तक सवार रहे हुजूर वो वहां पर अब्दुल्ला बिन ओबई वहां मौजूद था हुजूर वहाँ तशरीफ ले गए जानवर से उतरे तो हुजूर उतर के अलग हुए जानवर ने पेशाब कर दिया इस अब्दुल्ला बिन उबई ने नाक पे हाथ रख के ना मुंह बनाया परे करो इसकी बदबू बहुत बुरी है साहबी ने दिया उसको पंजाबी की कंधे हैं कसोन टिका के मुक्का मारा उसने कहा इसकी बूथ तेर तुझसे अच्छी है तूने नबी के जानवर के लिए ऐसा लफ्ज कहा सहाबी ने टिका के मारा मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा बुखारी उठा के देख लो टिका के मारा ओ इससे तुझसे अच्छी है इसकी बू तुझसे तुझसे ये साहबा का था आज हम कहते हैं नहीं जी मौलाना साहब गटर के पानी को शरबत कहो अरे को किसी को कुछ ना को अरे की मर्जी तो कोई आपको गाली देता है आपके पैसे मार लेता है फिर आप उसका मुकदमा क्यों लेके जाते हो अदालत में कोई आपकी मां को आपके बाप को गाली दे आप उससे बात नहीं करना चाहते ये बताओ तुम्हारी इज्जत ज्यादा है या नबी की इज्जत ज्यादा है किसी नबी के गुस्ताख का अंजाम अच्छा नहीं। अच्छा, नहीं। अच्छा। नहीं। उठाओ हिलियतौलिया इमाम अबू नुआम ने भी लिखा दीगर किताबों में ये रिवायत मौजूद बनी इसराइल बनी का मतलब औलाद इसराइल याकूब आसम का नाम इब्रानी जबान में याकूब आसम की औलाद को बनी इसराइल कहते हैं उसमें एक शख्स था उनकी उम्रें बहुत ज्यादा होती थी दो सौ साल उसने गुना में गुजारे नाफरमानी में उसने जिंदगी गुजारी लोग उसको बुरा समझते थे बुरा समझते थे मर गया लोगों ने उसको दफनाना पसंद नहीं किया उसके जिस्म को उठा के कूड़े पे फेंक दिया कूड़े दान पर मजबला कहते हैं ना जहाँ कूड़ा फेंकते वहां वहाँ फेंक दिया अल्लाह ने हज़रत मूसा को वही फरमाई इसको वहाँ से उठाओ इसको नहलाओ इसको कफन पहनाओ इज़्ज़त के साथ दफनाओ या अल्लाह इस बंदे ने 200 साल तेरी नाफरमानी की अल्लाह ने फरमाया ऐसा ही है या लोग इसको बुरा समझते थे अल्लाह ने फरमाया ऐसा ही है या मैं तेरा नबी हूं तू मुझे फरमा रहा है मैं इसको इज्जत के साथ दफनाऊ राज क्या है फरमाया नहीं देखा दो सौ साल इसने क्या किया देखा तो ये देखा जब तौरात की तख्तियाँ खोलता था जहां मेरे हबीब का नाम आता था चूम लेता था उन पर दुरूद भेजता था बस इस वजह से उसको बख्श दिया सत्तर हूरों से उसकी शादी कर दी है सुन रहे हो सुन रहे हो आज नबी की ताजीम में खड़े हो हाथ आत्मान के सलाम पढ़ें तो फतवे लगाते हो नबी का नाम चूमे तो फतवे लगाते हो उनके लिए झूमे उनका ये मिलाद मनाएं तो फतवे लगाते हो कैसे लोग हो तुम मोहब्बत वाले को देखो मौलाना रोम मसनवी में लिखते हैं आप मजनू को जानते हो पूछ रहा हूं नाम सुना सुना ये आप कहना चाहते हो हम सारे ही मजनू बैठे हैं अपनी अपनी लैला के मजनू कोई बुरा आदमी नहीं था वली अल्लाह था हजरत इमाम हसन का दूध शरीक भाई है उनका रिश्तेदार है बड़ा वली अल्लाह था इसने लोगों को सिखाने के लिए यह मलामती तरीका इख्तियार किया उससे कोई पूछता था ना आज तारीख क्या है वो कहता था लैला दिन क्या है लैला ये जगह इसका नाम लैला टाइम क्या हुआ है लैला उसको लैला से मोहब्बत थी हर वक्त वो लैला 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 तुम नबी की मोहब्बत का दावा करने वालों एतराज करते हो तुम एतराज करते हो कि नबी का नाम क्यों चूमते हो नबी पे खड़े होके दुरुदो सलाम क्यों भेजते हो तुम्हें नबी से मोहब्बत मोहब्बत नहीं।, नहीं है मोहब्बत वाले कहते हैं मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले आला कहते कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत वाले की बात हम आज क्या जाने हमें क्या हो गया नामो से रिसालत के लिए हमारा तन मन धन कुर्बान होना चाहिए था लेकिन हम नबी पे एतराज कर रहे हैं किताबों में लिख रहे हैं नबी को कोई इख्तियार नहीं नबी के लिए ये बड़ी बात होगी वो खुद को बख्श वाले जो ऐसे जुमले लिख रहे हैं मुसलमान हैं दिल हमारा जो है ना खून होता है क्या कर रहे हो क्या लिख रहे हो इन जालिमों ने लिखा नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं उधर अमेरिका वालों ने सेटेलाइट बना लिया साइंस का फजा में छोड़ देते हैं अमेरिका बैठे बैठे पाकिस्तान के जिस घर की फ्रिज में क्या रखा है देख लेते हैं ऐसा है या नहीं है आपने सीसीटीवी कैमरे लगाए हो आप कहीं भी चले जाए अपने घर को देख लेते हो या नहीं पूछ रहा हूं मैं एक कॉलेज के पढ़ने वाले लड़के को कहूं कि देखो ये तुम्हारा जो, जो सैटेलाइट है ये जो लेंस है अदसा अच्छा, शीशा मट्टी से बना हुआ इसमें ये कमाल ये अंदर भी देखता है बाहर भी देखता है अंधेरे में भी देखता है रोशनी में भी देखता है वो बच्चा देख रहा है और मैं कहूँ कि नबी नहीं देखता तो उस पर क्या असर पड़ेगा तुम समंदर की गहराई में देख सकते हो तुम आसमानों की ऊंचाई में देख सकते हो छुपी हुई एक्सरे मशीन में आपके अंदर का नजर आता है या बाहर का नजर आता है अल्ट्रासाउंड कराओ तो अंदर का एमआरआई कराओ तो अंदर का सीटी स्कैन कराओ तो अंदर का इंसान का बनाया हुआ कैमरा तो बारीक से बारीक चीज को देख रहा है और कहो नबी कुछ नहीं देख सकता कैसी बात है सुनो मेरे नबी की तो बड़ी शान है सत्तर साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान आइन स्टाइन यहूदी था उसने ये कहा सत्तर साल पहले वो कहता है मैंने रेडियो बाइनाकेलर रेडियाई दूरबीन से जमीन से दो करोड़ नूरी साल दो करोड़ ऊंची नूरी, नूरी, नूरी साल आप पहचानते नहीं लाइट ईयर कहते हैं इंग्लिश में साठ खरब मील दूर कितना सार। तकरीबन साठ खरब दूर बिजली की रफ्तार है एक सेकंड में एक लाख छियासी हजार दो सौ चौरासी मील फी सेकंड इससे आपका एक सेकेंड बना साठ सेकेंड लगाओ फिर उसके बाद साठ मिनट फिर चौबीस घंटे फिर सात दिन फिर महीना फिर साल बना लो तो आपको पता चलेगा कि नूरी साल क्या होता है वो कहता है साठ खरब मील का एक नूरी साल तो साठ दुनी एक सौ बीस खरब साल के फ़ासले पर उसने रेडियाई दूरबीन से एक कह देख ली है सत्तर बरस पहले दुनिया के बड़े साइंसदान ने कहा कि 120 खरब मील के फासले पर उसने देख लिया है ये उस साइंसदान का बयान उसका बयान है जहाँ तक कायनात की सरहदों का ताल्लुक है ये कायनात की सरहदें बाउंड्रीज क्या हैं वो कहता है मेरी उम्र 10 लाख साल हो जाए मैं मालूम नहीं कर सकता वो जिसने सत्तर साल पहले इतनी दूर देख लिया वो कहता है कायनात की सरहदे मुझे दस लाख साल की उम्र मिल जाए मालूम नहीं कर सकता साइंस साइंसदान की बात है नबी की तो बड़ी बात है मेरे गौ से पाक फरमाते नजर तो इला बिला दिल्ला ही जमान कहर दला हुक्म तिस ये नबी के शहज़ादे नबी के चार सौ कितने साल के बाद हुए वो कहते हैं मैं अल्लाह की सारी कायनात को इस तरह देखता हूँ जैसे तेली पे राई के दाने को देखता हूं कुछ समझ आ रही है बात कुछ समझ आ रही है बात ये क्या जाने नबी की नामूस को लफ्ज नबी के माना नहीं करते नबी अरबी जबान का लफ्ज उसके माने अलमुख बेरो गैब नबी कहते ही उसको है जो गैब की खबरें देता है जो गैब की गैब कहते हैं जो आपके हवास से मागाबा अनिल हवास आपके हवास से छुपी हुई चीज उसको गैब कहते हैं लफ्ज नबी के माना ही गैब की खबरें देने वाला आपको फरिश्ते नजर आते हैं नहीं, नहीं। फरिश्तों को खुदा नजर नहीं आता तो अल्लाह तो गैबुल गैब हो गया और मेरे नबी ने रब को सर की आंखों से जागते हुए देखा है मेरे नबी जैसा तो क्यों ना कहें सबसे से लाओ आला हमारा नबी सब से बाओ वाह समझ रहे हैं या नहीं अब बताओ उस नबी का मिलाद मनाएं तो इनको तकलीफ होती है या नहीं है किसी गरीब की बेटी की शादी हो सकती थी इतने पैसों से मैं क्या गरीब दी थी बड़ी सियानी पैसा दी शादी करवाई किसी और पैसे दी नहीं उसको जिस वक्त तुम अपने सियासी जुलूस निकालते हो झंडे बनाते हो करो के इश्तहार बनाते हो उस वक्त तुम्हें गरीब की बेटी याद नहीं आती शादी करते हो अपने घर को दस दस दिन सजाते हो देगे पकाते हो चालीस खाने बनाते हो जोड़े बनाते हो उस वक्त तुम्हें गरीब की बेटी याद है हम नबी का मीलाद मनाएं तो इनको मिर्चें लगती हैं इनको पसंद पसंद मोमिन कहता है नबवी का जमाना आ गया खाजा साहब आके फरमाइश करके गए इसलिए सुना आ रहा हूं ईद नबी का जमाना ईद खुशी के मौके को कहते हैं हमें सबसे बड़ी खुशी नबी की आमद ईद नबी का जमाना आ गया लब पे खुशियों का तराना और नारे सल्ले आला की धूम है नारे सल्ले अला का मतलब हर तरफ दुरूद और सलाम की आवाज़ें हैं नारे सल्ले आला की धूम है वजद में सारा जमाना में सारा ज़माना अलबिदाया वहाया बड़ी मशहूर किताब इब्ने कसीर हम तो मानते ही हैं उनको मुखालिफ ज्यादा मानते जो अपने आप को अहिल हदीस कहते हैं ना इनके नजदीक इब्ने तैमिया इनका सबसे बड़ा आलिम उसका शागिर्द था इब्ने क़य्यम ये उसका इब्ने कसीर उसकी लिखी हुई किताब अलबिदाया उठाओ तो उर्दू में तर्जमा भी इन्होंने कर दिया असल अरबी में है उसमें लिखा जब हजूर पैदा हुए फरिश्तों ने हूरों ने गलमान ने जानवरों ने परिंदों ने मछलियों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी एक रो रहा था एक क्योंकि उसको खुशी उस दिन उसको नहीं आज उसके चेलों का नहीं है और मोमिन झूम रहे हैं खुश हो रहे हैं जगह जगह मीलाद मना रहे हैं। तो नबी का मीलाद मनाना नबी की ताज़ीम है नबी की तो ये नामूस के तो मुखालिफ हैं नारे लगाते हैं नामूस के लेकिन मानते नबी को नबी मानते हो तो ये मानो कि उन जैसा पूरी कायनात में कोई और, और जी नबी को कोई इख्तियार नहीं इनको इख्तियार है इनकार करने का इनको इख्तियार है ये जो चाहे करे नबी को कोई इख्तियार नहीं मेरे नबी को इतना इख्तियार है अल्लाह फरमाता हाजा अताउना हिसाब महबूब ये हमारी अता है जिस पर चाओ एहसान करो जिससे चाओ रोक लो कोई हिसाब किताब नहीं कोई हिसाब किताब इनको समझ में आया हमने झोली फैला ली और झोली फैला के तुम से मांगेंगे तुम ही दोगे अल्लाह फरमाता मा आता तुम और रसूल फू जो रसूल दे वो ले लो जो रसूल दे वो ले लो रसूल अगर देता ही नहीं अल्लाह क्यों फरमा रहा है वल्न रदूमा आता कुमालू रसूल उस पर राजी हो जाओ ना जो अल्लाह और उसके रसूल ने दिया तो रसूल देते हैं हज़ूर हैं अल्लाह ने मुझे हर शे की चाबी दे दी इनको समझ नहीं आया हमने जोली पहला के कहा तुम से मांगे गे तुम ही दोगे तुम्हारे दर से ही लौ लगी है ये सब तुम्हारा करम है आका ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है ये सब तुम्हारा साहबा को कोई मुश्किल है नबी के पास आते इख्तियार मानते हैं नबी का या नहीं ऊंची कुरान ने वाजे कर दिया जो नबी को हाकिम ना माने वो मोमिन हो सकता ही एक साहबी ने रोजा तोड़ दिया फर्ज रोजा रमदान का तोड़ दिया।, तोड़ दिया गलती हो गई कहा जाऊं कहा जाऊं तो आ गया तो है मुस्तफा हजूर अलाक हो गया हूं बर्बाद हो गया हूं क्या कर बैठा है जी जो काम रोजे में नहीं करना था वो इशारा कर दिया समझ गए होंगे रोजे में जो काम नहीं करना था कर बैठा हूं हजूर ने फरमाया गुलाम आजाद कर क्योंकि इस्लाम पसंद नहीं करता है लोगों का बेचना खरीदना इसीलिए गुलाम आजाद करना यह रखा ताकि गुलामी का सिलसिला तो खत्म हो उसने कहा जी बहुत गरीब हूं यह भी कर सकता फरमाया साठ रोजे रख पे दर पे मुसलसल उनसठ के बाद नागा हो गया तो वो सारे खत्म हो जाएंगे कोई नागा नहीं होना साठ रोज उसने कहा तीस पूरे नहीं कर सका साठ साठ मिसकिनों को खाना खिला दे उसने कहा ये भी कर सकता ये भी कर सकता सुनो मैं बोल रहा हूं कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है अगर लाइव है तो दुनिया देख रही होगी यहां जितने अल इल्म बैठे और दूसरे सब बताओ इसके सिवा कोई फतवा दे सकता है गुलाम आजाद करो साठ रोजे रखो या साठ मिसकिनों को खाना खिलाओ इसके सिवा कोई बोल सकता है बैठ जा। इख्तियार है मेरे नबी को वो मेरी तुम्हारी तरा बैठ जा एक शख्स खजूरों की टोकरी तोहफे के तौर पर लाया अल्लाह वालों की बारगाह में तोहफे मोहब्बत से देना लोग कहते हैं जी पीरा का कम कमाई करना है वो जो कमाई वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहा वो कारोबारी इश्तहारी ये अल्लाह वाले अल्लाह का दीन फैलाने वाले दीन का ज़िक्र करने वाले नबी की बातें करने वाले अल्लाह ने इन इनका रिस्क दुनिया में फैला दिया ये लोगों को जो आप देते हो आपकी जेबों से निकलता है ये अल्लाह की तरफ से उनका रिस्क है ए करने वाले करते उस खजूरों की टोकरी बतौर तोहफा लाया साहबी ने हजूर ने टोकरी कबूल करके फरमाया वो कहा जो रोजा तोर बैठा था। उसने कहा जी बैठा हूं फरमाई ये टोकरी ले मदीने के गरीबों में तकसीम कर दे तेरा कफारा हो जाएगा इख्तियार है या नहीं लेकिन साथ ही एक बात फरमा दी हाजा लका वला ले गई ये सिर्फ तेरे लिए तेरे सिवा किसी और के लिए अगर हजू ये ना फरमाते तो आज भी लोग रोज़ा तोड़ के आ जाते मौली साहब ले आओ आओ ले टोकरी ले आओ खजूर दी है उजूर ने फरमाया सिर्फ तेरे लिए तेरे सिवा किसी और के लिए इख्तियार इख्तियार उसने टोकरी ली और सर पे रख के कहने लगा मदीने में मुझ जैसा गरीब कोई नहीं मैं खुद खा लू नाज देखो कौन देता है देने को मुंह कौन देता है देने को मुंह चाहिए

वो आवाज वाला कह कानी उसकी बात सुन के इतना दाड़े नजर आने लग गई अजीब आदमी है मैंने कहा गुलाम आजाद कर नहीं कर सकता रोजे रख नहीं खिला सकता और खजूरों की टोकरी मैं दे रहा हूं वो भी तकसीम नहीं करना चाहता खुद रखना चाहता नाज है ना साहबा को पता है नबी मुश्किल कुशा है कुशा के माने खोल देने वाला मुश्किल को दूर कर देने वाला नबी मुश्किल साहबा का अकीदा क्या था रब है मोती ये है कासिम सिम रिज कुस का है खिलाते ये है और उसकी बख्शिश इनका सदका देता वो है दिलाते ये है इन्ना आतई ना कल कौसर सारी कसरत पाते ये है और ठंडा ठंडा मीठा मीठा फरमाए मेरे ओजे कोसर का पानी बर्फ से ठंडा शहद से मीठा ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये साहबा का अकीदा नबी मुश्किल कुशा फरमाए हब आताएम हो अहल का जा तू और तेरे घर वाले खा ले तेरा कफारा हो जाएगा इख्तियार है या नहीं ऊँची एक साहब भी मेरा जानवर जो था वो वक्त से पहले कर लिया है फरमाया तेरे पास दूसरा है उसने कहा जी छः महीने का फरमाया चल तू कर ले इख्तियार है, है? अपनी एक घरेलू खातून से फरमाया तीन दिन ही तेरे लिए इद्दत के काफ़ी है सिर्फ तीन दिन इख्तियार है या नहीं है ऊंची कब्र में भी है हशर में भी है सारे नबी नफसी नफसी कहेंगे उस वक्त भी मेरे नबी होंगे जो अनालाहा करेंगे उनकी इज्जत नामूस के लिए मुझे और आपको जरूरत है आज उनकी किसी नस्बत की तोहन भी हो तो यह नबी की तोहिन है हजरत अली के लिए फरमाए जो तुझे बुरी बुरा कहेगा वो मुझे बुरा कहेगा जो तुझे गाली देगा वो मुझे गाली देगा तो याद रखना नबी पाक सल्लल्लाहु वसल्लम की इज्जत का मसला आ जाए तन मन धन कुर्बान हम नबी का दामन छोड़ सकते नहीं। और नबी के बेअदब से कोई बात ताल्लुक रख सकते ये किसका हुक्म है अल्लाह ने फरमा दिया इन हुवल अबतर जो महबूब का दुश्मन है वही अबतर है वही अबतर पलीत का नाम सुना होगा आपने उसके चौदह बेटे थे कितने करबला में इमाम अली मकाम को जिसने कत्ल करवाया उस यजीद पलीत के कितने बच्चे चौदह चोड़ा। बेटे थे चौदह। एक की नस्ल नहीं चली एक की नस्ल वो चौदह छोड़ के गया आज उसकी नस्ल में एक नहीं इमाम हुसैन एक छोड़ के गए सारी दुनिया सैदों से, से भरी हुई है समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो नबी की नस्बतों का एहतराम नबी की मिट्टी का एहतराम मदीना मुनवरा नबी का शहर कोई उसकी बुराई करे तो उसके लिए भी कोई गुंजाइश ऊंची मोहब्बत वाले क्या कहते हैं मदीने के बारे में क्या कहना चाहते हो वहां किसी को कांटा चुभ जाए वो उफ नहीं करता शुक्र करता मुझे मदीने का कांटा चुभा है वहां की तकलीफ पर मुझे कहना नहीं चाहिए अब तो मशीनें आ गई पहले मदीना मुनवरा में रात को इशा के बाद बंद करते थे सफ़ाई करनी होती थी तहजद में फिर खोलते थे तो उस ज़माने में लकड़ी लगी हुई आगे झाड़ू बंदी होती थी लकड़ी तो हम भी साथ लग जाते थे उनके इस बहाने अंदर मौका मिल जाता था तो लकड़ी की आदत वो ज़ोर लगता था ना तो छाले बनते थे जब किसी के छाले बनते थे ना हम उसको मुबारकबाद देते थे आज किसी को नस्बत है? जब हम झाड़ू कंधे पे रख के मस्जिद से आते थे समझते थे हमारे जैसा बादशाह कोई नहीं है मोहब्बत वालों की बात क्यों हरम की जमी और कदम रख के चलना अरे सर का मौका है ओ जाने वाले अजरत मौलाना जामी फरमाते हैं मुझे मदीने बुलाए पाऊँ से चल के नहीं आऊंगा एक कदम आँखों का बनाऊंगा एक सर का बनाऊंगा अदब करने वाले अदब करने वाले और आज आज मुझे बहुत तकलीफ होती है वहां आप लोग भी जाकर टेलीफोन बजाते हो रोज़ा रसूल को पीट करके फोटो बनाते हो जालियों को पीट करके फोटो बनाते हो सेल्फी बनाते हो वो फोटो बनाने की जगह नहीं है इस तरह की हरकतें करके तुम नबी को नाराज कर रहे हो खुश मस्जिद नबी में बैठ के बात कर रहे हो सियालकोट में आरम शरीफ बैठा तो वहां बैठा उस जगह को पहचान कहा बैठा है वो जगह अपने शहरों में फोन करने की नहीं है वो अदब की जगह है अदब का है जेरे आसमां अज अर्श नाजुकतर नफस गुम कर दमी आयत जुनेदोजीदी इज्जत बुखारी का शेर अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम के शुरू में लिखा अदब का है इसलिए अदब की जगह जगह है अल्लाह के अर्श से ज्यादा नाजुक है हजरत बा यजीद और जुनेद जैसी हस्तियां यहाँ सांस भी गुम करके आती हैं वहाँ शोर कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है नबी की इज्जत की बात करने वालों जिन्होंने अदब किया उनको रुतबे मिले उनको दर्जे मिले सिर्फ नबी का नाम मोहब्बत से लेने वाले भी वली बन गए मुझे बहुत से वाकियात अदीस में कुरान की तफसीर में कितने सुनाऊ आपको नबी के इख्तियार का इनकार करने वालों कहते हैं नबी को कोई इख्तियार नहीं सुनो नबी को इतना इख्तियार अल्लाह ने दिया है उंगली का एक इशारा करें चांद दो टुकड़े हो जाता है हाथ से इशारा करें डूबा हुआ सूरज लौट आता है अबू जहल का बेटा इकरमा साहबी बन गया बाद में इकरमा हुजूर ने उसको फरमाया मुसलमान हो जा पानी था दरमियान में नहर कह लो नदी कह लो उसने कहा जो नदी के जो उस पार पत्थर है ना वो अपनी जगह से निकले ज़मीन में जमा हुआ धसा हुआ निकले पानी के ऊपर चलता हुआ आए आपको सलाम करे वापस जाके लग जाए आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो ये करके दिखाएं ओजू ने फिर दिखाऊंगा हो जाएगा मुसलमान उसने कहा हो जाऊँगा उजू ने पत्थर को सिर्फ इशारा किया आंखें कहाँ हैं कान कहाँ है दिमाग कहाँ है पत्थर का कैसे सिर्फ इशारा किया पत्थर हिला हिल के उसने अपने आप को जमीन से निकाला कलाबाजियाँ पानी पे खाता हुआ आया नबी को सलाम किया फरमाया जा वापस जाके लग जा वो ऐसा लग गया जैसे हिला ही नहीं था इख्तियार है या नहीं है ऊंची मेराज के सफर से नबी पाक अलैहि वसल्लम वापस आए सबसे पहले अबू जाल को बताया मैं रातों रात मस्जिद अक्सा गया वहां से आसमानों पे गया और वापस भी आ गया दुश्मन अबू जहल उसने उसको पता था नबी कभी मस्जिद अक्सा नहीं गए एक महीने के जाने का रास्ता एक महीने के आने का रास्ता ये कहते हैं रातों रात गया वहां से आसमानों पे भी गया और वापस आ गया अगर ख्वाब की बात होती वो सवाल करता उसने कहा जी हमारा काफिला आ, आ रहा था आप जब उस रस्ते से आए तो रस्ते में आपने हमारे काफिले को देखा फरमाया देखा उसमें एक ऊंट है उसके मुंह पे ऐसा निशान है उड़ते हुए जा रहे हैं निशान भी देख लिया उसने कहा वो काफिला कब आएगा फरमाया परसों सूरज वरूब होने से पहले आ जाएगा परसों कल का दिन गुजरेगा तो परसों कहते हो ना डे आफ्टर टुमारो वो सूरज गुरु होने से पहले आ जाएगा, आ जाएगा। मक्का मुकरमा अबू जाल ने कहा मौका मेरे हाथ आया उसने लड़कों को बुलाया घोड़ों पे बैठो तेज दौड़ा के जाओ काफले वालों के पास उनसे कहो कि अपनी रफ्तार सुस्त कर दो जिस रफ्तार से आ रहे हो सुस्त कर दो कहीं चार छः घंटे आराम कर लेना जरा देर उसका मकसद था ये परसों शाम से पहले ना आए मैं नबी की बात को झूठा कह सकूँ हैं उसका तो मकसद यह था उसने पैगाम भेजाया काफ़िले वालों को कि सरदार का पैग़ाम है कहीं चार छः घंटे दस घंटे आराम कर लो और रफ्तार सुस्त कर दो उन्होंने ऐसा ही किया परसों का दिन आ गया असर के बाद सूरज की रफ्तार तेज़ हो जाती है सारे के सारे पहाड़ों पे चढ़ गए दूर दूर तक काफले का कोई निशान नहीं और सूरज अपनी रफ्तार से जा रहा है उसको अभी चला जाएगा फिर अगले दिन निकलेगा सहाबा दौड़े हुए आए हुजूर दूर, दूर दूर तक काफले का पता नहीं है और सूरज गरूब होने वाला है मेरे नबी ने सूरज को देखा सूरज को सूरज ने कहा हक्का समझ गया <laughs> मेरे हक्का मैं समझ गया हूँ अलैहि सलम ने सूरज को इशारा कर दिया उधर अबू जाल कहने लगा ये सूरज को ब्रेकें किसने लगा दी तो बड़ी तेजी से जाता है जा रहा था क्या हो गया घंटा गुजर गया दो घंटे गुजर गए सूरज हेली नहीं रहा उधर वो काफिला अपनी रफ्तार सुस्त करके बिलाकर तो आना था धूल उड़ने लग गई लोगों ने शोर मचाया काफिला आ गया काफिला आ गया काफिला साहबा दौड़े हुए हुजूर के पास आए हुजूर काफिला आ गया हुजूर ने इशारा किया सूरज को चलने का नहीं नहीं मेरी बात ध्यान से सुन लो जिसका दिल चाहे हवाला निकाल के देख लेना हजूर ने फरमाया मैं अगर इसको इजाजत नहीं देता या क्यामत तक यहीं खड़ा रहता इख्तियार है या नहीं ऊंची कहें इख्तियार है किसने दिया है उस नबी की इज्जत की बात करो करनी है तो उस नबी की ताज़ीम की बात करो करनी है अल्लाह फरमाता व तो अजे व तो व तो सब बेहू सुबह शाम दिन रात अल्लाह की पाकी बयान करो क्या मतलब अल्लाह फरमाता है मेरी इबादत बाद में नबी की ताज़ीम पहले अल्लाह या नारे गौसिया याद रखना नबी की ताजीम में फर्क आ जाए बख्शिश हो सकती कुरान पढ़े जिस नबी पर काफिरों ने दुश्मनों ने एतराज किया जवाब नबी ने दिया जवाब खुद सलाम पर कौन माज अल्लाह बेवकूफ़ कहना चाह नबी ने खुद जवाब दिया हजरत इब्राहिम पर एतराज उन्होंने खुद जवाब हजरत मूसा पर एतराज उन्होंने खुद जवाब मगर एक मेरे नबी पाक हैं काफिर एतराज करते हैं अल्लाह जवाब देता है हुजूर नहीं जवाब देते अल्लाह जवाब देते वलीद बिन मुगैरा ये वो शख्स है माजल्ला जिसने नबी के लिए मजनून का लफ्ज कह दिया सब कहें माजल्ला उर्दू में तर्जमा आप पागल करते हैं मा आजल्लाह उसने ये लफ्ज नबी के लिए कह दिया अल्लाह ने उसकी दस बुराइयां बयान की पढ़ो सूर कलम कुरान में है दस बुराइयां बयान की झूठा है जूठी कस्बे उठाता है लोगों को नेकी से रोकता है चुगली लगाता है बड़ा ये है वो आखिरी बात की नौ बयान करके के है ये। असल नहीं दुरुस्त है अगर तर्जमा कहते हो खुला करूँ तो पेदा नहीं क्या कहते हो आरामदा कहते हो नहीं? ये बातें कुरान में मौजूद किसके लिए नबी के गुस्ताख के लिए किसके लिए ऊंची कही नबी के गुस्ताख इसको मौलाना रूम ने मसनबी में बयान कर दिया जब तक कोई बंदा दूसरी बातें करता रहे अल्लाह उसका पर्दा रखता है लेकिन अल्लाह के किसी प्यारे की गुस्ताखी करे अल्लाह उसके पोल खोल देता है ये भी मिला हुआ रहता था गुजारा हो रहा था नबी के लिए गलत लफ्ज कहा अल्लाह ने असलियत बता दी डंडा उठाया माँ के पास चला गया आज मोहम्मद के रब ने मेरी दस बुराइयाँ बयान की हैं, नौ मुझमें हैं दसवीं का ताल्लुक तुझसे है बता मैं किसका बेटा हूँ उसने कहा जिसकी नौ दुरुस्त हैं उसकी दसवीं भी दुरुस्त है माँ ने बता दिया तो किसकी औलाद है पता चला गुस्ताख़े नबी की असल दुरुस्त नहीं कहीं ना कहीं रग में खराबी होती है वरना ये गुस्ताखी कौन बयान कर रहा है बात को तो समझो अल्लाह अल्ला बयान कर रहा है अल्लाह को गवारा नहीं कि मेरे हबीब के बारे में कोई नामुनासिब बात करे कुरान में हुकुम फरमा दिया या लजीना आमनु के अल्फाज कुरान में बहुत जगह आए हैं सबसे पहली मर्तबा सूरह बकरा में पहले पारे के आखिर में अल्लाह फरमाता है या आमनू ला तकूलू रायना पहला हुक्म ईमान वालों मेरे नबी को रायना मत बोलना पहला हुकुम, या हुक्मजीना आमू लात रायना रना का लफ्जी माने हमारी रियायत कीजिए क्या बुराई है इस लफ्ज में अल्लाह फरमाता नहीं कहना बज़ाहिर माना क्या है हमारी रियायत कीजिए अल्लाह ने फरमाया नहीं कहना क्यों यहूदियों के यहां यह लफ्ज गाली था उनके यहां बुरा समझा जाता था दूसरी खराबी क्या थी ऐन की जेर को जरा खेच के पढ़ो रायना की बजाय पढ़ लो तो हमारा चरवाहा माना हो जाएगा जिस लफ्ज में जरा से माने की मनफी माने की गुंजाइश थी या दूसरों के यहां वो बुरा लफ्ज था अल्लाह ने फरमा दिया मेरे नबी के लिए यह लफ्ज कहना ही नहीं है कौन हुक्म दे रहा है अल्लाह अल्ला दे रहा है क्या कहना है लातकुल रायना हम पर नजरे करम कीजिए कौन अदब सिखा रहा है ऊंची अल्लाह अल्ला नबी का अदब सिखाए नबी अल्लाह का अदब सिखाए ठीक है ना वजू करते हो पूछ रहा हूं वजू के बगैर नमाज होती है वो गाँव में एक मौलवी साहब गए ना उन्होंने जाके वहां गांव वालों से कहा वजू के बगैर नमाज नहीं होती वो एक देहाती उठ के कहने लगा मौलाना साहब मैंने पढ़ के देखी है, हो जाती है वो वाला हाल तो नहीं है ना अच्छा जी वज़ू में कितने फर्ज हैं चलो जिनको याद है उन्होंने बता दिया चार हाथ धोना कोनी तक है मुंह धोना हाथ धोना मसा करना और तखनों तक पाऊँ धोना ये चार फर्ज है उससे पहले तीन काम करते हो आप ये पहुंचो जिसको रिश्त कहते हो कलाई तक यहां तक हाथ धोते हो मुंह में कुल्ली करते हो पानी गागर करते हो नाक में पानी खींचते हो ये तीन काम पहले और वो चार फर्ज बाद, बाद में क्यों अल्लाह का हुक्म बाद में नबी की सुन्नत सोचो सोचो क्यों के नबी पाक बारगाह रब का अदब सिखा रहे हैं अल्लाह की बारगाह का अदब सिखा रहे और अल्लाह बारगाह मुस्तफ़ा का अदब सिखा रहा अल्लाह का, अल्ला का नाम कलमे में पहले नबी का नाम बाद में अजान में अल्लाह का जिक्र पहले नबी का जिक्र नमाज में अल्लाह की बारगाह में इबादत पेश करो नबी पर सलाम कहीं अल्लाह का नाम पहले नबी का जिक्र बाद यहां सुन्नतें पहले फर्ज बाद राज क्या है अजा क्या जहां देखो लो पसे जिक्र हक जिक्र है मुस्तफा का पसे जिक्र हक यानी अल्लाह के जिक्र के पीछे नबी का जिक्र क्यों के पहले जबान हमद से पाक हो ले तो फिर नाम ले तू हबीबे खुदा का अल्लाह अदब सिखारा पहले मेरा नाम लेकर जबान को पाक कर लो फिर मेरे नबी का जिक्र करना और उधर सुन्नतें पहले फर्ज क्योंकि वज़ू होता है पाक पानी से पाक पानी को चेक करने जांचने परख परखने के तीन तरीके उसका रंग सही हो उसका जायका सही हो उसकी बू सही हो तो नबी ने सुन्नतें पहले रख दी हाथ में पानी लेकर देख लो रंग ठीक है या नहीं कुल्ली करके जायका देख लो जायका ठीक है या नहीं नाक में पानी खींच के देख लो बू ठीक है या नहीं तसल्ली हो गई पानी पाक अब रब का फ़र्ज़ पूरा करो कुछ समझ आ रही है बात आपको ध्यान दें हमें तो है खुदा का अदब है मुस्तफा का अदब सिखाया जा रहा है और आज लोग बेअदबी करें टीवी पे आके सोशल मीडिया पे आके जलसों में आके क्यों इसलिए कि फारूक आजम की हकूमत नहीं है फारूक आजम के जमाने में एक शख्स फजर की नमाज में एक सूरत पढ़ता था अब सवा रोजाना यही पढ़ता था मुनाफिक था कौन आवाज जिसकी जबान पर कुछ और दिल में जबान पर ईमान के कल में दिल में ईमान नहीं उसको मुनाफिक कहते हैं हिपोक्रेट साहबा ने जो जानते थे उन्होंने उसको कहा तो यही सूरत क्यों पढ़ता है तो उसने कहा क्या यह कुरान नहीं है उसके मुताबिक उस मुनाफिक के मुताबिक उस सूरत में नबी को अल्लाह ने डांटा था अल्लाह। वो ये समझता था कि अल्लाह ने नबी को इसमें डांटा है उसकी नीयत में वही वो, वो पढ़ता था वो आ गए फारूक आजम के पास शिकायत लेकर आपने उसको बुलाया तो यही सूरत क्यों पढ़ता है उसने कहा कि यही कुरान नहीं है क्या अगर पढ़ता हूँ तो क्या है फरमाया इसमें शक नहीं कि ये कुरान है और इसमें शक नहीं कि तू मुनाफिक है हजरत उमर ने उसकी गर्दन उड़ा दी क्योंकि जो बुरी नीयत से कुरान पढ़े ये कुफर है उसको गर्दन उड़ा दी उसकी तो नबी की तोहीन की नीयत से कुरान पढ़ता है उसको मुआफ मुआफ नामो रिसालत को समझो बड़ा मशहूर वाक्य आपने सुना होगा एक मुनाफिक और एक यहूदी का झगड़ा था आपस में चीज यहूदी की थी मुनाफिक दावा कर रहा था दोनों में तकरार हो रही थी मान नहीं रहा था उसने कहा फैसला कैसे करें मुनाफिक ने कहा चलो नबी के पास चलते हैं उसको ये ख्याल था मैं क़लिमा पढ़ने वाला हूं यहूदी है नबी मेरे हक में बात करेंगे नबी ने तो हक की बात करनी थी वो आ गया हजूर ने मुकदमा सुना यहूदी के हक में फैसला कर दिया ये चीज इसकी है वहाँ तो वो मुनाफिक बोला नहीं बाहर निकल के नबी का फैसला नहीं है ने तुझे तेरे नबी का फैसला मंजूर नहीं फिर किसका उसने कहा फारूक आजम का उसको पता था हजरत उमर फारूक यूदियों पर बड़े सख्त है वो आ गया हजूर के पास हजरत उमर ने कहा नबी के होते हुए मैं कौन होता हूं फैसला करने वाला यहुदी ने कहा हम आपके नबी के पास गए थे उन्होंने मेरे लिए फैसला कर दिया ये उस वक्त बोला नहीं बार निकल के कहने लगा मुझे नबी का फैसला मंजूर नहीं हजरत उमर ने उससे पूछा गरजती हुई आवाज में तुझे नबी का फैसला मंजूर नहीं उसने कहा नहीं जी जो आप करेंगे वो मंजूर होगा पर मैं फिर मेरा फैसला चाहता है उसने कहा हाँ अंदर गए तलवार लाए उसकी गर्दन उड़ा के कह दिया जिसे नबी का फैसला मंजूर नहीं उसका फैसला उमर की तलवार करती है ना से रिसालत को पहचानो सगा चचा है अबू लहब मुंह से उसके गलत लफ्ज निकल गए नबी के बारे में अल्लाह ने पूरी सूरत उसकी बुराई में उतारी तबत अबी लहब तब। जहन्नम का ईंधन है क्योंकि गुस्ताख के लिए कोई रियायत ऊंची अब मेरा आपसे सवाल गुफ्तगू समेटू मेरा आपसे सवाल नबी से मोहब्बत है कौन कहेगा नहीं है कौन कहेगा नहीं है आप तो यही कहेंगे सब कहेंगे है अब बताओ मोहब्बत के तकाजे पूरे करते हो दाढ़ी मूंडते वक्त नबी की मोहब्बत कहां चली जाती है गैरों का लिबास पहनते वक्त नबी की मोहब्बत कहाँ चली जाती है टी शर्ट पहनते हो सीने पे जानवर बना होता है उसके साथ मस्जिद में चले जाते हो मैं पूछना चाहता हूं खातीन को बरहना करने वाले कौन है तुम लोग बाप है या भाई है या बेटा है या शोहर? है कैसा लिबास पहन रही हैं है खवाती? शर्मो हया कहा गई मिलावट करते वक्त में क्या होता है नापतोल में कमी करते वक्त क्या होता है कहा जाती है नबी की मोहब्बत दफ्तर का टाइम आठ नौ बजे दो घंटे देर से जाते हो जल्दी उठाते हो वहां चाय पीते रहते हो लोगों के काम नहीं करते हो नबी की मोहब्बत कहां जाती है वादा करते हो पूरा नहीं करते हो उधार लेते हो वापस नहीं करते हो नबी की मोहब्बत कहां चली जाती है नामू से मुस्तफा का नारा लगाना है तो अपना किरदार भी बदलना होगा मुसलमान की बीवी मुसलमान के साथ खुश नहीं है क्यों अलैहि वसल्लम की ग्यारह बीवियां थी एक ही वक्त में जिससे पूछो वो फिदा हो रही होती थी आपकी बीवी से कोई पूछ ले तो शिकायत का पटारा खोल देगी क्यों हमारी बेटियों में शर्मो हया क्यों नहीं रही हमारे घरों में ड्रामे लगते हैं फिल्में लगती हैं लेकिन हम पूछते नहीं नमाज पढ़ी है या नहीं बच्चों को कुरान सिखाने में हम कमजोर अगर वाकई हमें नामूस मुस्तफ़ा अजीज़ है तो मुझे सबसे पहले यह ख्याल करना होगा मेरा नबी किस बात से नाराज होता है हम मुसलमानों के दरमियान क्या हो गया एक दूसरे को काटने लग गए तासुबात जाहिलियत के ये पंजाबी है ये वट्टू है यह फलाना है यह मलिक है यह चौधरी है यह वड़ाइच है हम लोग इन चीजों में लग गए हमारी तो पहचान एक थी कि हम नबी के गुलाम वफादारी कहाँ चली गई हमारे लिबास में हमारे अंदाज में नबी की बातें कितनी हैं, अदाएं कितनी हैं? मोहब्बत वाले क्या करते हैं हुजूर के एक साहबी थे उनकी चिन थोड़ी पर एक ही बाल था वो उसमें भी कंगी करते थे खोदा कहते हैं शायद पंजाबी में बाल नहीं थे चेहरे पर सिर्फ थोड़ी पे एक बाल उसको कंगी करते थे किसी ने कहा एक ही तो बाल है उसको भी कंगी कर रहा उसने कहा नबी की सुन्नत है मैं नबी की सुन्नत अल्लाह ने एक बाल दिया तो मैं सुन्नत पूरी कर रहा हूँ मोहब्बत है अदब वाले थे साहबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल कायम किया बदर को जा रहे सफ बनाई सवाद नामी साहबी का थोड़ा सा पेट आगे निकला था हजूर के हाथ में तीर था हल्का सा उसके पेट पे मारा पीछे हो लाइन सीधी कर उसने कहा जी मैं बदला लूंगा साहबी ने कहा मैं आप मुझे जबान से भी कह सकते थे पीछे हो आपने मुझे तीर मारा मुझे तकलीफ हुई है मैं बदला लूँगा साहबा उसको गुस्से से देख रहे हैं नबी को ऐसा कह रहा नबी के बारे में हुजूर ने फरमाया ले बदला ले उसने कहा जी मैं आपने मेरे पेट पे मारा मेरा पेट नंगा था आपने तो कपड़े पहने हुए नबी ने कपड़ा हटा दिया साहबा की चीखें निकल रही हैं वो फौरन नबी से लिपट गया चूमने लग गया फिर मैं ये क्या किया उसने कहा मौत का वक्त करीब है मेरा जी चाह अपने जिसम को आपके जिसम से लगा लो लेकिन नबी का निजाम अदल का निजाम मेरे नबी ने मुझे जो कुछ दिया आज देखो मुझे कराची से बुलाया इज्जत दी है बिठाया है हार पहनाए हैं क्यों मुझमें कोई सुरखाब के पर लगे हुए मैं आपसे ज्यादा गुनागार मगर क्यों इज्जत मिल रही है मैं उनका नाम ले रहा हूँ उनका जिक्र करने पर जब मुझे इतनी इज्जत उस नबी की कितनी इज्जत उसके मामले में कभी सौदा ना करना नामू से रिसालत पर कभी भी किसी के साथ कोई सुलह हो सकती नहीं बस जो नबी का नहीं वो हमारा जो उनका वफादार है वो हमारा ये रब का ऐलान है अला इकबाल का ऐलान नहीं है अला इकबाल ने रब का ऐलान बताया है कि मोहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे ये रब कह रहा है मेरे नबी से वफा कर हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे लोह तख्ती को कहते हैं कलम से तख्ती पे लिखते हो क्या मतलब नबी के गुलाम बन जाओ अपनी तकदीर खुद लिख लो लेकिन हम इस वक्त दुनिया में मीलादुल नबी के दिन बम धमाके मुसलमान मुल्क में क्या हो रहा है कहीं सहाबा की तोहीन कहीं अहले बैत की तोहीन कहीं औलिया की तोहिन हम कहते हैं ये मौलवियां दे कम ने लड़दे ने इस तरह की बात कह के, के क्या नबी को मुंह दिखा सकोगे कब्र में वो गाजी इलम दीन कौन था अब्दुल कयूम मुजाहिद कौन था नहीं पढ़ा उनके हालात उन्होंने नबी की इज्जत पे जान कुर्बान की दुनिया आज भी सलाम करती है पहचानो अपने आप को की किया रसूल अल्लाह का नारा लगाते हो लब्बई के माने में हाजिर हूं कहते हो अल्लाह के रसूल हाजिर हूं कितने हाजिर हो क्या हो रहा है शहर शहर गली गली गुस्ताखियां हो रही है हम मीलाद बना रहे हैं लोग आगे लिख रहे हैं ये योम वफात है ये मिलाद का दिन नहीं वफात आप कोई जवाब नहीं दे रहे उनके हौसले बढ़ रहे हैं वो दलेर हो रहे हैं क्यों इसलिए कि आप खामोश हो आपको सिर्फ साल में एक दिन मनाना है बाकी सारा साल ड्यूटी नहीं है नबी की इज्जत पे हर लम्हे पैरा देना है और अगर पैरा दो जान तो जानी है उनके नाम पे चली जाएगी इससे बड़ी इज्जत की बात और क्या होगी कम अज कम ये तो कह सकेंगे हजूर आप पे जान कुर्बान करके आए हैं इज्जत मिलेगी वो इज्जत मिलेगी जिसको कोई गिरा नहीं सकता हुकूमत अपना तमगा छीन सकती है नबी की बारगाह से मिला हुआ एजाज कोई छीन नहीं सकता सिद्दीक अकबर आज भी सिद्दीक अकबर फारूक आज़म आज भी फारूक आजम उस्मान गनी आज भी जन्नूर मौला अली आज भी शेर खुदा हैं हसनैन करीमैन जन्नत के नौजवानों के सरदार गौ से आजम आज भी गौ से आज़म इमाम आजम आज भी इमाम आजम दाता साहब आज भी दाता साहब समझ आ रही है बात क्यों ये नबी नबी की के वफादार अगर हम इस बात को भूल गए हमारे हिस्से में कुछ आने वाला ए, इनको पैसे मिले थे यहाँ पर मौसीकी का प्रोग्राम भी तो कर सकते थे ना गुलूकार भी बुला सकते थे नाच गाना भी उसमें शायद हो सकता है आप लोगों से ज्यादा मजमा हो जाता मगर क्यों माँ के दूध में नबी की मोहब्बत आई है ना इनके पास खुट्टी में आई चीज़ अल्लाह ने तोफीक दी आप लोग भी अपनी नींद छोड़ कर आए इसलिए आज अहद करके उठो जियेंगे तो नबी के लिए जियेंगे उनकी मोहब्बत में जियेंगे उनकी इज्जत में अपनी सब कुछ कुर्बान कर देंगे नबी के बारे में कुछ बर्दाश्त कर सकते कोई मनफी बात हमसे गवारा नहीं।, नहीं ये है ईमान અમીલાદ શરીફ મનાતે હે નબી કી તાઝીમ મે અલ્લાહ કા શુક્ર અદા કરતે હે જિસકી ખાતર કુલ કાયનાત બનાઈ અપના વો હબીબ ભી હમે અતા કર દિયા અમીલાદ મનાને કી દલીલ માંગતે હો ઓર જિસકી ખાતર રબ્ ને પૂરી કાયનાત સજાઈ અગર મે અપના ઘર સજાઉં તો ફતવે લગાતે હો રબ્ ને તો પૂરી કાયનાત ઉનકે લિયે સજાઈ હૈ ઇતરાઝ કરતે હો તુમે નબી સે mohabbat હોતી તો તુમ એસા ना कहते मोहब्बत वाले कुर्बानियाँ देते हैं नबी की गुलामी का हक अदा करते हैं अल्लाह ताला का कि उसने हमें अपने नबी की मोहब्बत अदा की मेरे पीर मुर्शिद हजर साहब कर्मा वाले फरमाते थे अल्लाह जिस पर बहुत मेहरबान होता है उसके दिल में अपने हबीब की मोहब्बत डाल देता है जिससे अल्लाह नाराज हो निकाल लेता है खुशनसीब है जिसके उम्मती बनने की तमन्ना नबियों ने की अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने हमें उस हबीब का गुलाम बनाया व तो अजेरूह तो वेरू नबी की ताजीम और तोकीर करनी है ईमान लाते ही पहला काम अगर नबी की ताजीम नहीं है तो हम ईमान वाले ऊंची गई है नामों से मुस्तफ़ा हमारे नज़दीक सबसे अहम नहीं है तो फिर हम मोमिन नमाज नमाज नहीं रहेगी अजान अजान नहीं रहेगी रोजा रोजा नहीं रहेगा इबादत इबादत नहीं रहेगी अगर नबी की तजीम नहीं है कितने लोगों ने हज किए हैं कितने लोगों ने उमरे किए हैं कितने लोगों ने नमाज पढ़ी है लेकिन नबी की तज़ीम नहीं है उनके मुँह पे मार दिया जाएगा सब कुछ नमाज अच्छी रोजा अच्छा जक़ात अच्छी हज अच्छा मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कट मरू मैं खा जाए बता की इज्जत पर खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमा हो नहीं सकता यकीन है इस बात पर या नहीं अपनी जिंदगी में तब्दीली लाओ हम गुनागार हैं मैं एक जुमला कहता हूं हम बद हैं बद अकीदा नहीं है बेअदब, अल्लाह ना बनाए बेअदबों से दोस्ती नहीं रखनी बेअदबों से कोई ताल्लुक रखना नहीं पीर वो जो नबी से हमें मिलाए जो हमारा रिश्ता नबी से जोड़े आलिम वो है जिसकी बात से नबी के दिल में मोहब्बत आए हर उस शख्स को सुनना पढ़ना छोड़ दो जो तुम्हें नबी से दूर है जो अल्लाह वालों से करीब करे वो सही है जो अल्लाह वालों से दूर करे भले आप कहते हैं जी फलाना फ़लाना मैं नाम नहीं लेता हूँ किसी का लेकिन मुझे बताओ अगर वाकई ये किसी लायक होते तो नबी की बारगाह में कबूल होते या नहीं होते मगर हम किसके पैरोकार बनेंगे जो गौसे आज़म बने जो ख्वाजा गरीब नवाज़ बने जो दाता हुजवेरी बने जो बाबा फरीद बने जो नबी की बारगाह में मकबूल हुए हमने उनसे ताल्लुक़ जोड़ना है ये कई आए और कई गए ये आते जाते रहेंगे मगर आपका रिश्ता नबी से मजबूत रहा तो यही कामयाबी है बहुत सारे दलाइल थे बहुत सारी बातें थी मैं सारी नहीं कर सका मैं गुफ्तु को समेटते हुए आखिरी बात करता हूँ हमने मरना है मरना जिन्होंने नहीं कहा उनको भी मरना पड़ेगा हाँ वो ये ना समझें कि बच जाएंगे मरना क़बर मिलती है क़ब्र का मतलब ज़मीन का गड़ा नहीं है कबर मिलती है जानवर खा लेता है चीतड़े उड़ जाते हैं समंदर में डूब जाते हैं लाश मिले ना मिले साथ जाएगी सामान गाड़ी मोबाइल फोन हैं सारे मट्टी डाल के आ जाएंगे वहाँ भी मेरे आका तशरीफ लाए और यही पूछा जाएगा बता इनके बारे में क्या कहता था अगर हजूर ने मुंह फेर लिया तो किधर जाएंगे ना इधर के रहे ना अगर हजूर ने कह दिया ये मेरा है तो सारी बिगड़ी बन जाएगी उनके उनके वफादार बनो कबर में भी वही काम आएंगे हशर में भी जब माँ बेटे से बेटा मां से भाग रहा होगा उस वक्त भी वही मेरे सहारा बनेंगे वही सीने से लगाएंगे वही पुल से रात पार कराएंगे वही जन्नत में लेके जाएंगे इन अल्लाह होता यकीन है मानते हो तो बस उनसे रिश्ता मज़बूत कर लो जिसका रिश्ता उनसे मज़बूत उसकी दुनिया भी कामयाब उसकी आखिरत भी गुफ्तु में मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौबा करता हूँ कर लें और इशारे जितने करने हैं आपने <laughs> हाँ जी देख रहा हूँ आपके भाई साहब के इशारे उनको लोरी सुननी है मिलाद शरीफ का कोई जलसा हो जाए ख्वाजा साहब उसमें हो तो बस लोरी के बगैर पूरी बात पूरी नहीं हो सकती वाले साहब अलैह ने लिखी थी वो पढ़ते भी बहुत प्यारी थे वहरहाल आप लोगों को मोहब्बत से सुना देता हूँ मेरे साथ मिलके पढ़ लें अल्लाह अल्लाह अल्लाहू इलाहा इल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहू इलाहा आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम आज दरो दीवान नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा बारबीऊल अव्वल को वो आया दुर््रेयती बारबल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम माहे नुअत मेहरे रिसालत माह नबुअत मेहरे सालत साहिब खुल के अजीब नबी जी अल्लाह 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 लाइला जो आया वो नबी है कैसा अव्वलो आखिर सब कुछ जाने देखे भई दो करीब अव्वलो आखिर सब कुछ जाने देखे भई दो करीब गैब की खबरें देने वाला गैब की खबरें

से झड़ते फूल साहबा कहते हैं हमें कितना तकलीफ़ कितना गम होता हुजूर को देखते थे सब भूल जाते थे प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुँह से झड़ते फूल नूर का पुतला चांद से उजला नूर का पुतला चांद से उजला हक का प्यारा रसूल नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहला उनके आने से क्या हुआ कुफरो शिरक की काली घटाए हो गई सारी दूर कुफरो शिरक की काली घटाए हो गई सारी दूर मशर को मगरब दुनिया अंदर मशर को मगरब दुनिया अंदर हो गया नूर ही नूर नबी जी अल्लाह 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 नबी पाक अलैहि वसल्लम को जिस झूले में लिटाया जाता वो खुद ब खुद हिलता था सही रिवायतों में है कौन इलाता था जिब्रील आए झूला जुला झूला ने लोरी दे शान जिब्रील आए झूला जुला झूलाने लोरी दे शान सो जा सो जा रहमत आलम सोजा सोजा रहमत आलम दो जग के सुल्तान नबी जी अल्लाह 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 ला इल्लाहु इलाू अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इला इला कोई मौजू रह गया कोई बात रह गई बता दो अभी भी कर देता भी। कोई रह गई क्यों तो ख्वाजा साहब कोई बात रह गई हो गई सारी पूरी बड़ी मेहरबानी जजाको मुल्ला अल्लाह आप सबको सलामत रखे खड़े होकर अदब से सलातो सलाम फिर दुआए खैर